हाय कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हाँ विशाखा जी नाम आई एम सॉरी, मैं मुझे लगता है प्रभु मैं जी, मैं प्रकृति बोल रही हूँ। प्रकृति माची है, मम्मी के फोन से कर रही थी मैं। सेम थिंग प्रगति माझी। ओके, तो एक उसके अंदर विशाखा नाम से भी एक स्टूडेंट है हमारे इसके अंदर, तो मेरी क्लास वाले। मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया लॉगिन करने में। आई बिलीव मैं चेंज एड्रेस प्रभु जी, क्वेश्चन था। प्रभु या प्लीज गो अहेड, वी कैन हैव क्वेश्चंस नाउ जी, प्लीज। जैसे मतलब कोई कंठी माला पहनता है, जैसे कि जी प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो वो भी कंठी माला पहनते हैं, तो क्या वो मतलब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? मतलब कहना है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं कल तभी हम, वाला सवाल है। इसलिए बता दो। देखिए बातें दोबारा आ गए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम तो इस दुनिया में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि डिफरेंट पीपल हैव माइट हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डूइंग थिंग्स। सो करके बारा तो आप जिस नजर से देखते हैं ये देखना पड़ेगा, सब लोग उसी नजर से देखते नहीं देखते, कौन किस नजर से देखता है। हम कंठी माला को जब हम रीच कर रहे हैं लोगों को, तो इट डिपेंड्स। जस्ट लाइक दी सेम लॉजिक जो है, सिर्फ कंठी क्यों? द इशू इज नॉट कंठी, द इशू इज तुलसी, है ना, द टच ऑफ तुलसी। तो इसको लेते हैं, जैसे कई अब कई जगह पे शास्त्रों में हरिभक्त विलास में, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं आ रहा, बट मुझे यहाँ पढ़ा हुआ है, मैं अभी भी ढूंढ के निकाल के दिखा सकते हो कि तुलसी पे किया हुआ जप है ना, इज कंसिडर्ड लाइक फार फार सुपीरियर देन किसी भी और जरिया जो आप जप का इस्तेमाल करें, चाहे वो पाठ की माला हो, स्फटिक हो, उंगलियां हो, कुछ हो। दैट्स नॉट दिस सेंस। अब आप कह सकते हैं कि भाई जो तुलसी माला आपके जप कर रहा है, तो मैं उसको तुलसी माला तब दूंगा जब वो फलानी चीज कर लेगा, फलानी चीज कर लेगा। तो उसी तरीके से जैसे जब इसी तरीके से मैं कंठी माला कौन कब पहन सकता है। देखिए टेक्निकली हिस्ट्री क्या बताती है, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ये बताती है कि तिलक और कंठी ये दोनों चीज जो है स्पिरिचुअल मास्टर आपको देते थे। वो आपकी जब आपकी दीक्षा होती थी उस वक्त आपको ये तिलक और कंठी जो है ये दिया जाता था, क्योंकि ये दीक्षा के एलिमेंट्स है। प्रीचिंग प्रभु मूवमेंट जी, होने दीक्षा से में आरो, मुझे बात बात एक बार फिनिश कर लेने दीजिए, मैं सुन लीजिए इस चीज पर, क्योंकि मैं एक हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ और जहां पर आज आप बैठे हैं वहां तक आप कैसे पहुंचे हैं मैं वो बता रहा। सो दीक्षा से पहले जो है ट्रेडिशनली आज से अगर आप 100 साल पहले भी चले जाएं, तो ट्रेडिशनली दीक्षा से पहले कोई कंठी या तिलक या इस तरह की चीजें जो है व्यक्ति के पास नहीं होती थी। उसकी वजह यह है कि आपको क्या पता कि आप किससे दीक्षा लोगे, और हर संप्रदाय का तिलक अलग होता था और कंठी का स्टाइल भी अलग हुआ करता था, जिससे जो है ये पता चलता है कि ये किस स्कूल ऑफ संप्रदाय में जो है इसने दीक्षा ली। अब फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ जाते हैं 20th सेंचुरी में, जब इस्कॉन बनता है एज ए प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो एज ए प्रीचिंग मूवमेंट जो है, जब आप इस्कॉन से आकर जो है आपका ताल्लुक बनता है, आप जुड़ते हैं, तो लोग जो है कंठी और तिलक इस्कॉन को देख के जो है लगाना पहनना ये सब शुरू हो जाता है कि ठीक है, हमने तो इस्कॉन से ही हम जुड़े हैं और इस्कॉन से हमारा रहा है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। तो ये एक है तिलक और कंठी का हिस्ट्री। सो
ऐसा नहीं कि आप प्याज लहसुन और फला फला, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड हुआ करता था क्लासिकल दीक्षा स्टैंडर्ड्स में, उसमें दीक्षा से पहले आप इनमें से कोई भी चीज आप नहीं पहनते थे, बिकॉज ये आपको आपके गुरु देते थे। पर आज आप जो बात कर रहे हैं वहां के तहत जो है ये सिचुएशन है जिसके अंदर आप तिलक या कंठी पहनते हैं, तो तब जाकर ये सवाल उठना शुरू हो गए कि जी जो चार नियम फॉलो करता है वो तिलक या कंठी पहन सकता है नहीं पहन सकता। वो चार नियम के अंदर फिर आपको प्याज लहसुन भी आई है, चलो वही होगी है ना। 16 माला करता है तो पहन सकता नहीं पहन सकता। तो एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो ये है। तो आप मतलब अचानक मैं आपका मतलब हम सब हम लोग अचानक जो है स्काई लैब किए हैं आके इस्कॉन के अंदर फास्ट फॉरवर्ड में 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में, और अब इसलिए हम ये सवाल पूछते फिर रहे हैं लोगों से कि भाई कंठी का पहन सकते तिलक तो हम पहन लगा सकते हैं। ये पहले ये सवाल इसलिए जन्म नहीं लेता था क्योंकि बंदा जो है वो सीधा ही तभी वो करता था तिलक और कंठी, उसको इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर उसको दिया करते थे। अब बताइए विशाखा माझी आप आगे क्या, नहीं ये तो प्रकृति माझी, गो अहेड। हम जैसे प्रभु जी आप कहते हैं कि चार संप्रदायों में मतलब अलग अलग उनके सिंबल्स होते थे, तिलक अलग Not होती थी, only कंठी वाला। that, even गौड़ीय संप्रदाय के अंदर 20 तरीके के तिलक होते हैं। तो हम क्या उनसे मतलब जैसे कोई लोग चार संप्रदाय से अगर जुड़ता है तो क्या वो दीक्षा ले सकते हैं क्या मतलब? नहीं फिर जोड़ता ही क्यों, फिर दीक्षा नहीं ले सकता ये क्या बात है, बिल्कुल ले सकते क्यों नहीं ले सकते, फिर फायदा क्या हुआ अगर वो बोनाफाइड संप्रदाय है तो क्यों नहीं ले सकता दीक्षा, लेके आ सकते हैं, लेते हैं ना। आप तभी आप देखेंगे, देखिए आपने जनरली बिल्कुल नए नए नवेले लोगों को ठीक है ना रामानुज संप्रदाय का तिलक या मध्वा संप्रदाय का तिलक लगाते घूमते हुए नहीं देखा होगा। इस्कॉन के आप लोग देखेंगे जिसके अंदर जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई है वो लोग तिलक और कंठी पहन के घूमते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रीचिंग, बस। अदरवाइज वो पुराने ट्रेडिशनल संप्रदायों में जो कि ज्यादा प्रचार वचार करते नहीं है वो आज भी वैसे ही है सिस्टम उनका, कि वो दीक्षा के बाद ही तिलक वगैरह देते हैं, और जो कोई कंठी पहनता है नहीं पहनता उनको अलग तरीके के उनके सिंबल्स होते हैं, ये सब जो है दीक्षा के बाद ही होता है। इसलिए इतना सब सवाल उठता है कि जी अब प्याज लहसुन जो है वो आ गया बीच में। एक्चुअली प्याज लहसुन का मसला नहीं था, इनिशिएशन एंड नॉन इनिशिएशन का मसला था। ओके ब्रो जी, थैंक ओके थैंक यू। सिंपल माता जी, यस यू। हरे माँ जी ने पहले हाथ पर रख के उसके बाद मैं इधर पर फिर मैं स्पीति करना माँ जी के पास हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी इधर प्रभु जी, माँ जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ना वो ऑल्टर को लेकर था। आप बता रहे थे ना कि ऑल्टर में सिर्फ वो ही होना चाहिए जो वैकुंठ की रिफ्लेक्शन हो, तो उन ऑल्टर में शिव जी को रख सकते हैं बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव। हाँ तो ये आपका कंसेप्शन क्या है ऑल्टर को लेकर कि मतलब ऑल्टर में वैष्णव शिव जी की शिव, मूर्ति रख सकते हैं? वही बता रहा हूँ वही उधर ही आ रहा हूँ। हाँ जी, वैकुंठ में शिव जी कैसे होते हैं, एनी आइडिया, यू हैव एनी आइडिया? नो प्रभु जी। मैं समझ गया था तो तभी मैंने जानबूझ के सवाल पूछे, शरारत कर रहा था मैं इसलिए, पर वो मेरी वैसी आदत। वैकुंठ धाम का जो बॉर्डर है उसके ठीक अंदर एक जगह है जिसको सदाशिव लोक कहा जाता है, ठीक है। सो देयर सदाशिव जो फॉर्म है जो शिव जी का जो स्पिरिचुअल फॉर्म है ना, ही स्टेज देयर, जो हाँ हम जी शिव जी सदाशिव। यहाँ पर जो, हाँ सदाशिव हैज इज वेरी डिफरेंट इन हिज अपियरेंस देन जो अपियरेंस आपको मिलता है यहाँ, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे जो आप जो भी शिव जी है त्रिपुंड्र लगा हुआ होता है, बभूति होती है ना, उजड़े हुए से बाल होते हैं, शिव ऐसे नहीं दिखते, इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट। उनका जो शरीर का कलर भी जो है इट इज नॉट ब्लूइश रेड, सो इट्स मोर व्हाइटिश,
So it's a very different conception of Shiva, first first. Second, अगर आप और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, से फॉर एग्जाम्पल वैकुंठ से भी आप जो है इसको स्केल को और रिफाइन करते हैं एंड यू गो टू गोलोक वृंदावन, देन द फॉर्म ऑफ शिवा इज नॉट द फॉर्म ऑफ अ मेल पर्सन. देन द फॉर्म ऑफ शिवा इज अ फीमेल पर्सन, जो कि आप मेरे ख्याल से जानते जी होंगे, हाँ गोपेश्वर. जी सो हाँ जी दीदी जी बहुत नो, या सो देन दोज आर द कॉन्सेप्शंस. क्या वो कॉन्सेप्शन आपके पास दिमाग में, वो कॉन्सेप्शन है ना? एंड आई वुड दैट्स व्हाई आई वुड से कि पहले अगर आप अपने जो लोअर कॉन्सेप्शन है, जब आप इससे आपको छुट्टी मिल जाए, देन यू गो टू द हायर कंसेप्शन, देन इट इज इजी. पर अगर आप अपने लोअर कंसेप्शन से पहले अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे ना, हिस्ट्री जो है और मतलब वही एक्सपीरियंस ये बतलाती है कि आप उसको ऊपर नहीं खींच पाओगे, वो आपको नीचे जरूर घसीट लेगा. जैसे कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी इस चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इस चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और जब तक आप खुद जो है पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए ना ठीक से, तो मैंने जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उसमें ये होता है, इस चीज को उस चीज को तो उसने क्या लगाना होता है, वो उसको अपनी सेवा में लगा लेता है उल्टा. सो इसीलिए भगवान में की सेवा में किसी चीज को लगाना, भगवान और अपने कॉन्सेप्शन को किसी भी चीज को स्पिरिचुअलाइज करने का कॉन्सेप्शन शुरू होता है खुद से. So if you have a very good conception of what is God, आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, इस तरह की चीजें जब आपका, then you can see everybody in relation to that, and then शिव जी भी you be, then आप शिव जी को अपने एक जैसे कहते हैं ना इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन इंस्पिरेशनल फिगर की तरह देख सकते हैं. अदरवाइज आप देखेंगे कुछ कुछ सालों के अंदर अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे आपके श्रद्धा में दो 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 दरारे हैं. वो दरारे क्या हैं? इस शिव जी को मैंने रखा हुआ है कुछ कुछ खास चीजों के लिए, जो मैं भगवान को बोलने से मुझे शर्म आती है उसके लिए मैंने शिव जी को रखा हुआ है. तो उससे वही शुरू होता है कि ये चीज, यानी कि एक लोअर काइंड ऑफ काम करने के लिए तो मैं शिव जी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता. तो अगर भगवान के साथ सामने जब मैं जाता हूँ, तो मैं पूरा अपना स्टैंडर्ड लेके गर्दन ऊंची करके जाता हूँ, जिससे क्या है कि वो सरेंडर पूरा नहीं होता. तो इसीलिए सबमिट कर लीजिए पहले अपने आप को, एंड सबमिट करने के बाद देन यू सी पर्सनैलिटीज लाइक शिवा. आप देखिए बड़ी हैरत की बात है, मैं आपके सामने रखता हूँ और आप तब शायद इसका ऐसे सोचे हैं. ये सवाल हर अक्सर लोग ना शिव जी के लिए पूछते हैं. जी प्रभु जी अच्छा बात सुनो, बात तो सुनो, कि शिव जी को हाँ आपने रखना है इसलिए रखना है ना कि वो 12 महाजनों में से एक है, यही है ना. अच्छा हाँ कभी जी आपने कभी किसी को सुना है कि पूछते हुए कि प्रभु जी मैं ये क्या नाम है प्रहलाद को रख लूं, बलि महाराज को रख लूं, हाँ अम्बरीश को रख लूं, ठीक है ना, समझ रहे मैं क्या 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 बात कर रहा हूं. जी प्रभु जी इधर कोई इधर पृथ्वी को रख लूं, सुखदेव गोस्वामी को तो कोई रख के नहीं थे राजी, ठीक है ना. आप बताएं कभी परीक्षित महाराज की याद नहीं आती किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में 12 महाजन्म में एक ही बंदा क्यों फिरता है? क्योंकि वो जो क्यों फिर रहा है ना, वो हाँ फिर रहा है, वो उसका जो पूर्व संस्कार है डेमिगॉड वर्शिप का, वही उसको आगे जा रहा है. अगर उसके उसका नजरिया जो है, उसका शिव जी को देखने का जो नजरिया है वो तो महाजनों के प्रभु हिसाब से है, तो फिर शिव जी क्यों? बाकी 11 ने क्या कौन से पाप करे? आप समझ रहे हैं? तो यहां से ये खुद अपने आप को टटोलने वाली चीज होती है. जी अब तीन हाथ खड़े जी हैं पर 7 बज गए हैं, तो मुझे तो कोर्स क्लास शुरू करनी पड़ेगी. ठीक है, ओम ज्ञानस्य मनंदस्य ज्ञानंजन शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतेश्वरमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनाम्ने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रजापिने निर्विशेषमनाभिपाश्चात्यदेशधारिणे.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सुभाष आदि गौर भक्तवृंद, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 राम। ऑलराइट अब जो है हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जहां पे हमने कल छोड़ा था, और हम कल गुरु पूजा के आखिरी चरण में हम थे। वहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा या यहाँ पर हमने छोड़ा था कि किस तरीके से किसी आने वाले किसी वैष्णव को जो है किस तरीके से हम उनकी आवभगत करते हैं, ठीक है ना। और उसका मैंने जवाब भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था ये सेम चीज। अगर जैसे आपको याद होगा कि हमने माफ कीजिए एक सेकंड, यहाँ यहाँ छोड़ा था, यहाँ पर छोड़ा था। तो अब हम आते हैं अगला कि किसी आ, आ, इस कौन गुरु है, चाहे वो शिक्षा दीक्षा कैसे कैसे भी इसके अंदर, और या इवन कोई वरिष्ठ साधु है, ठीक है ना। तो वैष्णव सेवा या वैष्णव सत्कार जिसे कहते हैं, सेवा से भी पहले जो सत्कार है, तो वो उसके क्या पैमाने हैं हमारे यहाँ, क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जहां आप देखिए वेलकम वैष्णव वैष्णव सत्कार, ठीक है। इवेंट्स वेलकमिंग वैष्णवस, कोई ऐसा कोई मौका जहां पर आप वैष्णवों को जो है औपचारिक रूप से उनका सत्कार कर रहे हैं, आवभगत हो रही है, ठीक है ना। वहां पर क्या जरूरत है कि चाहे वो गुरु ही हो, ठीक है, तो इस्कॉन के मंदिर में जब आप उनको वो आ रहे हैं या उनको बुलाया गया है, ठीक है ना, कोई आपने न्योता दिया है, तो ये मॉडेस्ट होना चाहिए। लव्स मॉडेस्ट का मतलब समझते हैं, मॉडेस्ट का मतलब है कि ज्यादा आडंबरपूर्ण नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा शोर शराबा नहीं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल, साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल भी दे दिया इस्कॉन लॉ के अंदर। जनरली लॉज में एग्जाम्पल नहीं होते, लॉ सिर्फ लॉ होता है, मतलब एग्जाम्पल भी साथ में दिया गया ताकि कोई जो है गलत फहमी ना रहे। ऑफरिंग ए सिटिंग प्लेस, ठीक है, उनको बैठने की जगह देने, प्रसाद देने, कुछ पीने के लिए देने, एक भगवान की प्रसाद की माला देने, और उनके लिए कीर्तन कर, एनफ बताया गया, ये एनफ है इसका ये। और मगर ये होना चाहिए, इसमें कटौती नहीं होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये चार पांच चीजें जो है जरूर होनी चाहिए, मगर ये काफी माना जाएगा, इसीलिए मॉडेस्ट बोला गया। ये भी आपने देखा, ये इस पे किसी का कोई कमेंट है, कोई कुछ पूछ इसके अंदर इस इसे कोई कॉन्सेप्ट कोई वो है आप। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी कर्म मज, यस इसमें उनको मतलब व्यास आसन ऑफर करना या मतलब भागवतम का कोई प्रवचन करना उसके बारे में नहीं लिखा? वो बात की बात है, वेलकम के लिए इतना बस। वो तो फिर सेवा हो गई ना, कि वो कोई सेवा करना चाहते हैं, आप उनको कोई सेवा दे रहे हैं, वो सिर्फ भागवत क्लास ही क्यों। कई बार केस में होता है कि आप उन्हें ऑफर करते हैं कि क्या आप प्रभुपाद की पूजा करना चाहेंगे, या आप ऑल्टर में आके डिटीज की पूजा करना चाहेंगे, यू नो लाइक दिस, देयर कैन बी डिफरेंट सर्विसेज। वो एक अलग चीज है, मगर यहाँ जो अभी बात हो रही है वो सिर्फ उनके सत्कार की आवभगत की बात हो रही है। तो आवभगत में ये चीजें जरूर होनी चाहिए, और इसको साथ ही मैं बार बार जिस पे जोर दे रहा हूँ, साथ ही साथ मॉडेस्ट भी होना चाहिए। मॉडेस्ट का मतलब है कि ज्यादा उसके अंदर जो है चमक धमक नहीं, ठीक है। तो प्रभु जी, मतलब जो ये है कि ज्यादा आडंबर या ज्यादा दिखावा नहीं, तो उसका क्या एग्जाम्पल है कि क्या नहीं होना चाहिए? ओके जैसे चलिए चलिए, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं, समझ गया मैं। एक चीज मैंने देखी है कहीं कि
मतलब कोई डिवोटी है वो, जैसे उनका कहीं गए हैं वो कथा करने या कुछ भी करने, या किसी मंदिर में उनका वो है स्वागत के लिए, तो लोग उनके चरणों में फूल बिछा रहे हैं, उनके फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल चरणों में पूरा। आपने आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, तो ये सब चीजें मना है एक्चुअली, ये सब चीजें नहीं करी जानी चाहिए, इसी वजह से ये लॉ बनाया गया है। ये से इसलिए लॉ बनाया गया है, या आप उनको बिठा के जो उनके चरण धुला रहे हैं फलाने चीजें कर रहे हैं, ये आप घर में कर सकते हैं कोई करना चाहे तो, मंदिरों में ना करें ये चीज। ये देखिए, तब ये स्मॉल टेम्पल्स के लिए कम से कम जो है ये चीज है, कि अगर आप घर पे जो है अपने गुरु को बुला रहे हैं और फिर वहां आपको करना है कुछ तो आप कर ले बेशक एक बार को, ठीक है ना, मगर कम से कम मंदिरों में ये काम ना करें। क्यों? क्योंकि मंदिर जो घर जो है आपका सार्वजनिक स्थान नहीं है, घर आपका अपना है, वो मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थानों में जिसके लिए आप ये सब कर सकते हैं, फूल बिछाना, चरण धुलाना, अभिषेक करना, ये श्रील प्रभुपाद वहां करें, प्रभुपाद के लिए आप जो करना चाहे ये सब चीजें आप करें, पर सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर है उसके अंदर जो है आप ये ना करें। फिर क्यों? क्योंकि फिर यही सब वही पड़ जाएगी नींव, एक की करोगे फिर दूसरा बोलेगा इसकी भी होनी चाहिए, फिर इसकी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, फिर वही लड़ाई वही शुरू हो जाएगा दोबारा। इसलिए जो है ये हिस्ट्री को देखते हुए सब बंद कर दिया, कि भैया बंद करो सारा, कोई जरूरत नहीं, इतना इतना जो है इतना करना काफी माना गया, ये आम राय से जो ये देखा कि यहाँ तक ठीक है। इस क्यों? क्योंकि वैष्णव सत्कार होना चाहिए, अगर वैष्णव सत्कार नहीं हो रहा तो वो अपराध है। तो हम भक्तों को सदाचार सिखा रहे हैं, डिवोटिस को अपराध करना नहीं सिखा रहे, ये भी है, मगर साथ ही साथ इसके भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जो फूल बिछा रहे हैं, ऊपर से फूल डाल रहा है, कोई पैर धुलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए ये। कृष्ण पाल जी फरमाइए। प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जैसे इस्कॉन टेम्पल्स में है, मतलब टेम्पल हॉल में नहीं कर सकते ना ये चीजें, मतलब नहीं उसके बाहर मंदिर रूम्स में, वगैरह। नहीं, मंदिर में, मंदिर, आप मंदिर प्रांगण के अंदर आप अंदर आए हैं, मंदिर की दहलीज पे अपने के अंदर आपने ये सब चीजें नहीं करना, ये नहीं करना है, ये सब चीजें कर रहे होते हैं। देखो जब कहीं पे नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई सिगरेट पीता है जब भी नो स्मोकिंग लगा हुआ है, तो ये सारी हरकतें होती है, इसलिए इसका लॉ ये है, ठीक है ना। ठीक है ऐसा नहीं प्रभु, कि हाँ आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, तो आज हो सकता है आप ये लॉ पढ़ रहे हैं, और उसी तरह के जो करने वाले लोग हैं हो सकते हैं उन्होंने देखा ही ना हो, ठीक है ना। दो जी प्रभु जी, तो तरह के लोग हैं, एक तो है कि जिन्होंने नहीं देखा, जिनको पता ही नहीं और वो कर रहे हैं, और कुछ और होते हैं जिनको पता है उसके बावजूद कर रहे हैं। तो अब जो उसके बावजूद कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि बाकी लोग ना करें, तो बाकी लोग इसको फॉलो करेंगे ना, तो वो जो दो चार है ना जो उसके बाद भी जो रिट्रीट होते हैं वो तभी जाके सीधे होते हैं, तो सीधे नहीं होते। ठीक है, आगे ठीक चलते, क्योंकि अब मैं आपको एक देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मतलब आपका मतलब सबके बात करो, बुरा ना माने इस चीज पर, इस क्योंकि इसके दो एक एक दो उसके बाद ही जो है वो टॉपिक भी आने वाला है, ये रिजेक्शन ऑफ गुरु वाली बात जब आएगी, ठीक है। तो पहले आप जो है उनको इतना बांस पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फिर कभी कोई खोट दिख जाए तो क्रिटिसाइज करने में वही लोग सबसे आगे होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने सस्ता जो एक नुमाइशी किस्म का जो है एक फेथ वो लेके आप चल रहे थे, तो तब वो टूटेगा, अगर टूट गया थोड़े से भी, चाहे वो सच है चाहे झूठ है, तो बिल्कुल उसको 180 डिग्री ऊपर उल्टा आप आ जाएंगे, सबसे आगे आप मिलेंगे उनकी निंदा करने में, ये बुराई करने में, फलाना ये वो, क्योंकि हमेशा ये सब चीजें देखने की जरूरत है कि जब हम किसी की का सत्कार कर रहे हैं तो सत्कार ऐसा ना हो जिससे और लोगों के दिमाग में एनवी पैदा हो, ये भी देखने की जरूरत है। हालांकि हम पूरी दुनिया को कुछ नहीं कर सकते, ये बात ठीक है,
है ना, वो तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बहुत लोग इससे जल रहे होते हैं कि पत्थर की मूर्ति पे इतना सब कुछ लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। वो बोल नहीं पा रहा कि मैं अगर उसी को उसको पत्थर की मूर्ति को हटा के उसको वहां बिठा के सारे काम कर दो तो सब ठीक है, ठीक है। तो वो एक और चीज है, पर मतलब जो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज को का जो है एक ड्यू उसको तवज्जो देना चाहिए, इस बस इतना इतना इस यही बस मैं कहना चाह रहा था। ओके, अब मैं आगे जा रहा हूँ, इसके जो डिस्कशन होने की जरूरत थी मेरे ख्याल से हो चुकी। अब आ जाए व्यास पूजा और तिरुभाव महोत्सव वगैरह, ठीक है, इसको भी इसी नजर से देखने का की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस्कॉन के जो मेंबर हैं वो शीला प्रभुपाद की व्यास पूजा जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत उसको देंगे, ठीक है, इस्कॉन के लिए। और सारे इस्कॉन के मेंबर जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सालाना जो प्रभुपाद के लिए व्यास पूजा के लिए जब कुछ लिख के कुछ ऑफरिंग होती है तो वो भेंट जो है वो श्री प्रभुपाद को करें। इस्कॉन में किसी की भी व्यास पूजा वगैरह जो है वो श्रील प्रभुपाद के व्यास पूजा से कम चकाचौंध आडंबरपूर्ण होनी चाहिए। और सच पूछे तो मैं लास्ट 5-6 सालों में मैंने देखा है ये एक अच्छी चीज जो इस इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के आने से हुआ है, वैसे तो कई चीजें हुई हैं बट ये एक चीज बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि विजिबल नुमाया जो एक चीज होके आई है वो ये है कि प्रभुपाद की व्यास पूजा के स्टैंडर्ड्स जो है अराउंड इस्कॉन काफी बेहतर हुए, काफी बेहतर हुए। मुझे याद है जब मैं इस्कॉन में पहले का पहले शुरू में 2000 में अगर मैं बात करूं उस वक्त होती थी प्रभुपाद की व्यास पूजा मगर इतनी चकाचौंध नहीं होती थी, जल्दी जल्दी 12 बजे तक एक बैठक निपटा दो बस खत्म है, 10 बजे शुरू हुआ, 12, 12:30, 1 बजे तक छुट्टी, प्रसाद हुआ, खत्म था। मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद की व्यास पूजा जो है वाकई मेरा लास्ट 5-6 साल में मैं कई जगहों पर मैंने ये देखा है, पहले सिर्फ मायापुर और वृंदावन में व्यास पूजा प्रभुपाद की तिरुभाव दिवस धूमधाम से मनाई जाती थी, लोकल टेम्पल्स में इतना नहीं मनाया जाता था अच्छे से, जल्दी जल्दी जो है इसको करो बस ठीक है ये होगा। और अब मैं देख रहा हूँ लास्ट 5-6 साल से वाकई में मानना पड़ेगा कि शिल प्रभुपाद की व्यास पूजा का और तिरुभाव फेस्टिवल का स्टैंडर्ड जो है इस्कॉन के अंदर बहुत ऊपर आया है, और मैं समझता हूँ इस्कॉन डिसाइपल कोर्स उसके लिए जो है एक बहुत ही इसने जो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पहले जो इंडिविजुअल दीक्षा गुरु का या शिक्षा गुरु इनके जो व्यास पूजा होती थी वो ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते थे, और प्रभुपाद का जो है बहुत जल्दी जल्दी निपटा दो एक औपचारिक तरीके से जो है इस तरीके से होता था ये सच है, मगर इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स के बाद जो है ये चेंज देख रहा हूँ। हालांकि इस्कॉन लॉ ये देखिए ना 648 का मतलब है, बहुत पुराना लॉ है, 1990s का लॉ है ये, लॉ तो था मगर क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी तो इसीलिए ये होता नहीं था, ये एक पॉजिटिव चीज है। ये देखिए अब सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जीबीसी का, व्यास पूजा क्यों मनाई जाती है इस्कॉन में, किसी की भी व्यास पूजा क्यों मनाई जाती है, ये देखिए, इन ऑर्डर टू फोकस मोर फुल्ली ऑन श्रील प्रभुपाद पहला एंड एवरी डिवोट इज स्पेशल रिलेशनशिप विथ हिम, प्रभुपाद आश्रय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन अदर वर्ड्स प्रभुपाद आश्रय को मजबूती प्रदान करने के लिए एंड इस्कॉन शिक्षा और दीक्षा गुरु में एक्सेप्ट पब्लिक गुरु पूजा इन पर्सन वंस अ ईयर ऑन इस्कॉन प्रॉपर्टी ऑन हिज और हर व्यास पूजा, प्रभुपाद आश्रय को मजबूती प्रदान करने के लिए इस्कॉन शिक्षा या दीक्षा गुरु साल में एक बार
इस्कॉन की प्रॉपर्टी के अंदर सामूहिक गुरु पूजा, व्यास पूजा जो है वो गुरु पूजा वो एक्सेप्ट कर सकता है। ये वाला व्यास पूजा वाले दिन ये सेलिब्रेशन मंदिर के अंदर हो सकता है, टेंपल रूम के अंदर, टेंपल हॉल। समझ आ रही है? यानी कि शिक्षा गुरु पादाश्रय और दीक्षा गुरु पादाश्रय से प्रभुपाद आश्रय को मजबूती प्रदान करना। तो जब आप शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की व्यास पूजा गुरु पूजा मना रहे हैं तो उसका मकसद आपका रिलेशनशिप श्रील प्रभुपाद के साथ मजबूत बनाना है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के माध्यम से। वो याद है वो जो डायग्राम था, इसके अंदर एरोस नीचे भी जा रहे थे तो एरोस साथ में भी जा रहे थे, इस वजह से, इस वजह से। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्यास पूजा इंडिविजुअल दीक्षा शिक्षा गुरु की क्यों मनाई जाती है, तो मकसद ये है प्रभुपाद आश्रय को मजबूती प्रदान करने के लिए। भाई अगर नहीं है तो फिर हम मनाते क्यों हैं वो चीज इस काम के अंदर? ऐसी को ऐसा कोई काम हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो है रिश्ता श्रील प्रभुपाद से और गुरु परंपरा से मजबूत नहीं हो रहा, तो फिर हम क्यों कर रहे होगा? ठीक है, ये चीज इस्कॉन मेंबर्स कंडक्टिंग व्यास पूजा सेरेमनीज, ये देखिए साफ साफ इसे लिखा है, ये हमारे लिए सदस्यों के लिए जो है बात बताई जा रही है। इस्कॉन मेंबर्स कंडक्टिंग व्यास पूजा सेरेमनीज फॉर इस्कॉन गुरुज शैल ऑब्जर्व देम इन ए मॉडेस्ट वे, अगेन वही चीज, सिग्निफिकेंटली लेस एलाबोरेट देन श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा। श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा में जो धूमधाम है उससे कम और सिग्निफिकेंटली लेस बोले, कम धूमधाम से जो है किसी भी और की व्यास पूजा होनी चाहिए। और देखिए इसका एक ये अपने आप हो जाएगा कैसे, मान लीजिए कि एक इलाका है कोई भी इस्कॉन में, शायद ही कोई इस्कॉन का मंदिर है जहां पर ऐसा है कि बस सिर्फ एक ही गुरु के डिसाइपल, शायद ही कोई ऐसा मंदिर है, हर इस्कॉन का जो सेंटर है वहां पर कम ज्यादा जो है डिफरेंट गुरुज के डिसाइपल्स होते हैं, खासतौर पर दीक्षा डिसाइपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कमोबेश जो है बहुत सारे गुरु, एक से ज्यादा गुरुओं के डिसाइपल्स होते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर गुरु की अगर व्यास पूजा मन रही है तो इसका मतलब उस इलाके के सारे डिसाइपल्स तो नहीं आए होंगे, यानी सारे जो इस्कॉन मेंबर तो नहीं आए होंगे, हालांकि जाना चाहिए, ये हम आगे देखेंगे, जाना चाहिए किसी को, किसी की भी व्यास पूजा पे जो हो रही हो तो जाना चाहिए, मगर उम्मीद की जाती चलो अगर नहीं भी गया एक बार कम से कम पर उसके अपने शिष्य जरूर आएंगे। तो मगर जब श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा हो रही है या तिरुभाव दिवस हो रहा है तो श्रील प्रभुपाद तो पूरे इस्कॉन के सबके लगते हैं ना, फाउंडर आचार्य और प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु और प्रभुपाद आश्रय तो सबने लिया हुआ है। तो फिर जाहिर बात है अगर सारे के सारे इस्कॉन के मेंबर्स वहां पहुंचेंगे तो वो प्रोग्राम जाहिर बात है ज्यादा धूमधाम से मनेगा। इससे क्या पता चलता है कि इस्कॉन में ये ट्रेंड देखा जाता था, ये सच है कि प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन जो है बहुत भक्त नहीं आते थे। अच्छा उसकी एक और वजह है, क्योंकि वो जन्माष्टमी के अगले दिन होती है, वो सारे सो जाते हैं, वो बस रात को जो है मिड नाइट से वापस आए हैं, अब जो जो लोकल सेंटर है मंदिर में जो अंदर रह गया उसकी उसकी जिम्मेदारी है व्यास पूजा बनाने, जो बाहर का कॉन्जिगेशन है वो तो भाई जाओ जी आराम से सो जाओ, ठीक है ना ये। और अगर तिरुभाव दिवस है तो अगर हो सकता है वृंदावन जा सकते हैं, मायापुर जा सकते हैं, वहां चले गए। तो ऐसे तो अब देखा जा रहा है कि लोग घरों से निकल के आते हैं व्यास पूजा वाले दिन प्रभुपाद के और तिरुभाव वाले दिन, और धूमधाम से जो ये मना रहे हैं तो इसका काफी श्रेय जो है इस्कॉन डिसाइपल फोर्स को जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये इस्कॉन लॉ है सारे, ठीक है। इन जनरल डिवोटी शैल ऑब्जर्व दिस व्यास पूजा सेलिब्रेशंस इन देयर ओन लोकल्स, ठीक है।
व्यास पूजन की जो सेलिब्रेशंस है, यानी कि जो आप अपने जो है व्यक्तिगत दीक्षा शिक्षा गुरु की कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर करें जहां सब लोग आ सके, कहने का ये मतलब है यहाँ पे। इन इस्कॉन व्यास पूजा बुक्स में बी पब्लिश्ड ओनली फॉर श्रील प्रभुपाद, सिर्फ सिर्फ श्रील प्रभुपाद के लिए जो है व्यास पूजा की पुस्तकें जो है वो छापी जा सकती है, जिसके अंदर सबने अपने व्यास पूजा के ऑफरिंग्स दिए हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने व्यास पूजा की किताबें देखी हैं प्रभुपाद की। मैं जब ऑन साइट कराते हैं तो मैं लेके दिखा पाता हूँ व्यास पूजा बुक्स। अभी ऑनलाइन तो मुझे नहीं पता प्रभुपाद की ऑनलाइन व्यास पूजा बुक्स है कि नहीं, ये भी ढूंढने वाली बात है। तो शायद ऑनलाइन व्यास पूजा बुक्स की कॉपीज आजकल आ जाती है, क्योंकि सब चीज PDF में मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से होता होगा प्रभुपाद की ऑनलाइन क्लास में जब। बट अदरवाइज मैं देखता हूँ, वैसे एटलीस्ट मैं उसकी तस्वीर तो दिखाई सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से मिल ही जाएंगे। हाँ PDF भी है, PDF भी है। तो मैं एक काम करते हैं, पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया पड़ेगी व्यास पूजा बुक्स कैसी होती है। कई लोगों ने हो सकता है देखा ही ना हो। आ गया ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक्स छपती है, ये रख ये देती है, जैसे 2021 की व्यास पूजा बुक। ये इस्कॉन के हर सेंटर में होती है, हर सेंटर जो है इस्कॉन का जो है व्यास पूजा बुक्स की कॉपियां लेता है। तो ये व्यास पूजा बुक्स, ये देखिए डिफरेंट ईयर्स की व्यास पूजा बुक्स। ठीक है, मैं तभी ये तस्वीर आपके सामने, और व्यक्तिगत व्यास पूजा बुक्स जो है इस्कॉन के अंदर छापने की इजाजत नहीं है, यानी कि खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। अदरवाइज कई अक्सर जो है कई गुरुज इस्कॉन के अंदर आज भी व्यास पूजा बुक्स छापते हैं, मगर आप वो व्यास पूजा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पहली बात, और ज्यादा से ज्यादा उसकी एक या दो कॉपियां बना सकते हैं व्यास पूजा सेलिब्रेशन के दिन के लिए बस। पहले जैसे ये व्यास पूजा की, प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक्स छपती थी, ऐसे ही कॉपीज आफ्टर कॉपीज इंडिविजुअल दीक्षा गुरुज की व्यास पूजा बुक्स छपती थी। जैसे मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सामने इंटरनेट पे ही आ रही है, ये देखिए ठीक है ना, ये व्यास पूजा बुक्स। तो ये इंडिविजुअल कोई कॉपी हो सकती है, मगर आप इसको पब्लिकली नहीं बांट सकते। तो ये इसीलिए GBC का ये लॉ है कि आप नहीं बांट सकते, सिर्फ श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक्स जो है वो आप बांट सकते हैं। तो इंडिविजुअली कई गुरु की व्यास पूजा बुक्स आज भी छपती हैं, ठीक है, पर वो आप बांट नहीं सकते। ओके, सो दिस वाज इट। किसी का कोई सवाल? सिंपल माँ जी ने हाथ खड़ा किया। जी माँ जी फरमाइए। प्रभु जी, रीजन बीइंग फिर देखा जाएगा 4 दिनों बाद वही वही शुरू हो जाएगा इस काम के अंदर कि BCO 50 लोग जो है आपके जो है इस कौन में इस कौन की व्यास पूजा बुक, हर किसी ने अपना अपना व्यास पूजा अपने गुरु का व्यास पूजा की किताब, और वो किताब मोटी हो रही है, वो बड़ी होती जा रही है, प्रभुपाद की व्यास पूजा की बुक की तरफ जो किसी की नजर नहीं है। ये पहले ऐसे ही होता था, तो ये लॉ इसीलिए है। और इस कौन डिसाइपल्स कोर्स से ये एक और चीज भी हुई है, पहले जो है ये व्यास पूजा बुक्स जो है छपती थी पढ़ती थी इंडिविजुअल गुरु की बहुत ज्यादा, मगर अब जो है ये कारोबार जो है काफी हद तक बंद हो गया है। ये है इस वजह से प्रभुपाद को फोकस करने की जरूरत के लिए ये चीज। थैंक यू सचिन विश्वाम प्रभु, वेलकम। ओके सो यू आर स्टिल इन हरिद्वार और यू आर बैक?
I'm still in Haridwar, but yeah, I'll be back okay. tomorrow night. Sorry, day Okay. after. Okay, 11th, you will be back on 11th, okay? So Yes, yes. by 12th, you can, yeah, we can Yes, hear more Prajal. from, we can hear more from 12th onwards, okay? Thank you. Thank you. All right. आप देखिए, व्यास पूजन, ठीक है ना? अब व्यास पूजा मनाई क्यों जाती है? सो इस पर डिस्कशन भी हो सकती है. इनफैक्ट जब सामने ऑन साइट का कोर्स होती है तो हम इस पर डिस्कस भी करते हैं कि व्यास पूजा एक्सपीरियंस, उसका मकसद. बट जनरली जो चीज जो सबके लिए जानने के लिए जरूरत है वो ये है कि व्यास पूजा का मतलब ही यही है. व्यास पूजा जो जो हम बात कर रहे थे कि गुरु पदाश्रय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना. और गुरु पदाश्रय इन इस्कॉन का मतलब क्या, उसके अंदर तीनों चीज है. तो जब आपका व्यास पूजा में गुरु पदाश्रय स्ट्रांग हो रहा है तो वो सिर्फ शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का पदाश्रय स्ट्रांग नहीं हो रहा, बल्कि प्रभुपाद आश्रय भी स्ट्रांग हो रहा है. तो ये इस मानसिकता के साथ जो है व्यास पूजा मनाई जाती है, या कम से कम मनाई जानी चाहिए. सो दैट इज द मेन मेन थिंग. क्यों? क्योंकि डिसाइपल्स के लिए उसके दीक्षा शिक्षा गुरु का भी व्यास पूजा मनाना जरूरी है, क्योंकि उस व्यास पूजा से उसका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जो है वो मजबूत होती है, गहराती है. तो वही जब गहराई है तो उसके अंदर तीनों जो आपके जो गुरु वर्ग है उनके लिए जो श्रद्धा वो गहरानी चाहिए. जैसे अगर मान लीजिए बहुत आसान सी चीज है, अच्छा चलिए, बल्कि मैं ये देखता हूँ, ये बोले बगैर ही मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि व्यास पूजा मनाने से, इंडिविजुअल व्यास पूजा जैसे हम मना रहे हैं, आप अपने दीक्षा या शिक्षा गुरु की मना रहे हैं, तो उससे श्रील प्रभुपाद आश्रय को कैसे गहराई या मजबूती मिल सकती है, थोड़ा सा सोचिए. श्रील, मेरा सवाल क्लियर है ना? व्यास पूजा मनाने से किस तरीके से, जब अपने हम दीक्षा या शिक्षा गुरु का व्यास पूजा मना रहे हैं, तो कैसे उससे श्रील प्रभुपाद का जो के लिए भी जो हमारा एप्रिसिएशन है जो हम, ठीक है ना, वो गहरा सकता है, कैसे मुमकिन है अगर है तो. ओके, कृष्णपाल जी फरमाइए. जैसे ये सब जो हमारी गुरु हैं, ये प्रभुपाद की टीचिंग्स के बारे में तो बता रहे हैं ना। जब उनकी उनके ऊपर हमें फेथ है तो प्रभुपाद के ऊपर फेथ होएगा ही। सेम राइट ऑन द नेल, राइट ऑन द नेल. यानी कि जो हम अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को देख रहे हैं उनको भी हम प्रभुपाद की प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं. कभी भी हम उनको श्रील प्रभुपाद की प्रतिनिधि से अलग या एक स्वतंत्र चीज नहीं देख रहे. ये मेरे दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है और स्टैंड अलोन है, बिल्कुल आसमान से उतरे है बस. ना इसके पीछे कोई इनका कोई बैकग्राउंड है, ना कोई इनका कोई कनेक्शन है. तो ये चीज कि अपने शिक्षा दीक्षा गुरु को श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य के कनेक्शन में देख लो, नहीं तो फिर क्या फायदा क्या गुरु परंपरा में. बहुत अच्छी बात, ये हमेशा ये चीज. तो इसीलिए जब आप अपने शिक्षा दीक्षा गुरु का जो एप्रिसिएशन जो आप कर रहे हैं उसमें भी वो एप्रिसिएशन की जो वजह है वो ये होनी चाहिए कि कैसे आप जो शिक्षा और दीक्षा, आपके शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों के से जो है जुड़ पा रहे हैं, जिनके थ्रू हमारी भक्ति स्वयं भगवान कृष्ण तक जा रही है. ऐसा नहीं कि गुरु परंपरा पे जाके बात खत्म होगी, तो कृष्ण तक भी जानी चाहिए ना. आपने गुरु क्यों बनाया है, ठीक है? तो ये आइडिया कि आप इधर से लेके बिल्कुल इस कोने तक पूरा जो है ये वो देख सके कि अपने अपने शिक्षा दीक्षा गुरु को लार्जर पिक्चर में आप कहाँ देख, तभी आपकी मुझे एप्रिसिएशन हो, वो जेन्युइन एप्रिसिएशन हो कि भैया अगर ये आप नहीं होते तो
तो मैं क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद से पूर्ववर्ती आचार्य और उसके माध्यम से स्वयं भगवान कृष्ण के करीब नहीं जा सकता था। दैट इज द एप्रिसिएशन। अगर आप सुबह गुरु पूजा गाते हैं तो उसमें क्या होता है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर चिल है, कहा गया ना। सो कि आप कृष्णा जो है आप सॉरी आप गुरु जो है वो करुणा सिंधु है, क्यों? क्योंकि मेरे जैसे जो अधम है वो ही इज द बेस्ट फ्रेंड एवर वेल विशर, और लोकनाथ लोकेर जीवन जो लोकनाथ गोस्वामी है उनके जीवन है, उनके जीवन कौन है, भगवान श्री कृष्ण प्राणधन सम कहते हैं, है ना। सही, गुरु जो है गुरु के प्राणधन कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये चीज तो इस तरीके से राइट फ्रॉम गुरु, गुरु पारदर्शी माध्यम है, जिसका मतलब है कि वो पारदर्शी, पार होना है आपको, उसी पे नहीं रुक जाना है ना। इट इज जैसे कि हम चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा क्यों पहनते हैं, ताकि सामने की चीज जो है करीब दिखाई दे या साफ दिखाई दे, तो चीज दैट इज द आइडिया। चश्मा जो है मेरे और जिनको मैं देख रहा हूं उनके बीच में रुकावट डालने के लिए नहीं है, बल्कि उसको साफ करने के लिए। सब गुरु जो है पारदर्शी माध्यम का मतलब ये है, तो उसको ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, दैट्स गुड। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग व्यास पूजा ऑफ एनी वन इन इसको, वो सिर्फ इंडिविजुअल गुरु ही नहीं बल्कि पूरी गुरु परंपरा से चलते हुए भगवान श्री कृष्ण तक, क्यों? क्योंकि हम वहां पर गुरु को साक्षात हरि के रूप में पूज रहे हैं। ईशान प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सारी है मेरी जी। जी प्रभु जी, हाँ हाँ बिल्कुल जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने अपने गुरुजन की व्यास पूजा से जब हम करते हैं ऑफरिंग, तो हम प्रभुपाद आश्रय हमारा एक स्ट्रांग हो रहा है। तो सेम केस अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा कर रहे हैं तो क्या वाइस वर्सा है अपने अपने बिल्कुल सही गुरु के लिए? पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही। बल्कि आपने अच्छा किया, मैं ये भूल गया था बोलना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये सर्कल पूरा नहीं होता अगर मैं ये बात नहीं भूलता, आपने अच्छा किया, मेरी गलती है, ये बात रह गई थी, थैंक यू वेरी मच। यस ये सर्कल है, सर्कुलर है। प्रभुपाद आश्रय भी हम इसलिए करते ताकि हमारी दीक्षा और शिक्षा गुरु आए, बिकॉज ये प्रभुपाद की टीचिंग पूरी पूरी परंपरा की टीचिंग है ना, कि आप शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की जरूरत है। अगर आपका प्रभुपाद आश्रय से जो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु पादाश्रय जो है मजबूत नहीं हो रहा, तो फिर तो हम मृतक जैसे ही हो गए, घूम फिर के बाद वही आगे कि तो हम दीक्षा गुरु दीक्षा शिक्षा गुरु भाड़ में जाए, अब हमें सिर्फ प्रभुपाद से सरोकार है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान गुरु आपने ये बात छोड़ने का। यस एग्जैक्टली, ये पूरा सर्कल है, इधर से ये है और इधर से ये है। यस थैंक यू वेरी मच। तो मुझे एटलीस्ट मतलब इनफैक्ट जब आपने ईशान को मैंने ये बात कही तो मुझे उससे ये बड़ा भरोसा हो गया कि इसका मतलब आप लोग मेरी कमियों के बावजूद भी कम से कम सब्जेक्ट को ठीक समझ रहे हैं। तो इंडिविजुअल कमियां तो मैं तो है वो सो है अपनी जगह मेरी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो शिल प्रपात व्यास पूजा का सीक्रेट बता रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ व्यास पूजा, व्यास पूजा का असली राज क्या है। व्हेन वी मेडिटेट ऑन द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द एब्सोल्यूट गॉड, जब हम परम पुरुषोत्तम भगवान के जो लीलाओं का स्मरण करते हैं, वी आर प्राउड टू फील दैट वी आर हिज इटरनल सर्वाइटर्स। तो हम जो है ये जो गर्व है, ये गर्व असली गर्व है, इस घमंड को बुरानी कहा जाता है, ये जायज घमंड है कि हम उस भगवान श्री कृष्ण के जो है दास है, एंड वी बिकम जुबिलेंट एंड डाई चांद डांस विद जॉय। तो जो मंदिर में कीर्तन नृत्य होता है, तो कीर्तन नृत्य गीत, तो उसका मतलब है क्यों नाच रहे हैं, इस कॉन्सेप्शन के साथ नाच रहे हैं कि भगवान ने जो है हमें अपना माना और हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसी वजह से जो है इस खुशी से झूमते हुए
यू आर डांसिंग विद जॉय. चाहे आज हम अभी भी कंडीशन है इस दुनिया में पड़े हुए, मगर फिर भी भगवान ने जो है हमें अब इस काबिल समझा कि हम आके भगवान के लिए कुछ सेवा कर सकें, तो इस खुशी में जो है हम नाच रहे. ये है व्यास पूजा का जज्बा. ऑल ग्लोरी टू माई डिवाइन मास्टर. मेरे डिवाइन मास्टर, मेरे गुरु की जो है जय जयकार हो. क्यों? फॉर इट इज ही, वही जो बात है, who has out of his unceasing flow of mercy stirred up within us such a movement of eternal existence. उन्होंने हमारे अंदर ये इस तरह का जो एक आध्यात्मिक दिव्य आंदोलन हमारे हृदय के अंदर जो है प्रकाशित किया. हृदय के अंदर जो है इस तरीके से जो है एक 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 जैसे कहते हैं ना एक मूवमेंट, हृदय के अंदर जो है एक आंदोलन हमारे अंदर जो है जैसे जैसे कि जैसे लहरें होती है समंदर की, उस तरह की ये लहरें जो हमारे अंदर उन्होंने पैदा की. लेट अस गो डाउन एट हिज लोटस फीट. लिहाजा ऐसे गुरु के श्री चरणों में जो है मेरा प्रणाम. और आप देखिए ये 1935 में है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यास पूजा ऑफरिंग में उन्होंने लिखी. आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद का राइटिंग स्टाइल इसमें कितना डिफरेंट है. 1935 का राइटिंग स्टाइल, जिनको प्रभुपाद की किताबें पढ़ने की आदत है, आप देखिए जनरली प्रभुपाद इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते. ट्रांसेंडेंटल पास्ट टेंस ऑफ एब्सोल्यूट गॉडहेड. एब्सोल्यूट गॉडहेड इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लिटिल डिफरेंट. सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का मतलब होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का मतलब होता है परम पुरुषोत्तम भगवान. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मगर प्रभुपाद इज यूजिंग बिकॉज ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लैंग्वेज है. आगे देखिए ये इसी लाइन में ये देखिए. ऑल ग्लोरी टू माय डिवाइन मास्टर हु हैज आउट ऑफ अ सीजिंग फ्लो ऑफ मर्सी स्टर्ड अप विदिन अस. इस तरह का पोएटिक लैंग्वेज. अब बाद में जब आप प्रभुपाद की किताबें देखते हैं बहुत सिंपलर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ प्रभुपाद जो इस तरीके से विदिन अस सच अ मूवमेंट ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस. दिस इज लाइक अर्ली प्रभुपाद जो वो है. अगर आप प्रभुपाद के पुराने लेख पढ़ेंगे, जैसे अगर आप ईशोपनिषद पढ़े जो कि प्रभुपाद ने 1962 में दरअसल लिखा था इन बैक टू गॉडहेड मैगजीन, यू विल सी द लैंग्वेज लिटिल डिफरेंट. इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स 1959, लैंग्वेज इज लिटिल डिफरेंट. लाइट ऑफ भागवत, लैंग्वेज लिटिल डिफरेंट. इन इन सबकी लैंग्वेज एक जैसे दिखेगी आपको, इन किताबों की लैंग्वेज एक जैसी दिखेगी आपको. लेटर किताबें जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट. तो लास्ट में यही सिद्धांत जहां से हमने शुरू किया था, जैसे हमने तब हमने शुरू किया था जहां पे ये बात हो रही थी कि आराधनाम सर्वेशम विष्णु और आराधनाम परम वाला एक श्लोक था शिवजी पार्वती वाला, कि है ना विष्णु की आराधना से भी ऊपर जो है उनके भक्तों की सेवा है. उसी तरीके का एक और श्लोक हम यहाँ पर देख सकते हैं. भगवान जो है आदि पुराण में अर्जुन को बता रहे, ये मैं भक्त जना पार्थ ना मैं भक्त चते जना मत भक्ता नाम चे भक्तास ते में भक्ता तुमता. यानी कि अच्छा कोई पढ़ी पढ़ ये गीता भक्ति मांझी आप पढ़ पाओगे? जी प्रभु जी, जी पढ़िए जी, ये वाला पढ़ना है. हाँ यही जी प्रभु जी. Those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are the devotees of my servant are factually my devotees. ये जो जो सीधा सीधा ये बताता फिरता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो दरअसल मेरा भक्त नहीं है, मगर जो मेरे सेवकों का भक्त है वो दरअसल मेरा भक्त. So that is the idea, a higher understanding of devotional service. So, इसके साथ साथ जो है हमारा
गुरु पूजा वाला जो सबक है वो यहीं पर जो है खत्म होता है। तो अच्छा, अभी इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं जी गो है। प्रभु जी डिफरेंस क्यों था, मैं डिफरेंस क्यों था लैंग्वेज में, प्रभुपाद ने पहले ऐसे और फिर बाद में, मतलब थोड़ा इजी लैंग्वेज में। हाँ, पोएटिक लाइक, इट्स लाइक जब प्रभुपाद ने देखा कि जिनको मैं प्रीच कर रहा हूँ दे रिक्वायर अ लिटिल इजियर लैंग्वेज, सो इट्स लाइक दैट, सो अदरवाइज प्रभुपाद वुड लाइक यूज दिस पोएटिक। तो सी वैसे भी जब आप अपने गुरु को, द गुरु शुड बी सर्व द बेस्ट, कृष्ण शुड बी सर्व द बेस्ट, सो दैट्स व्हाई दे आर, व्हेन जब उनकी सेवा आपके शब्दों से हो रही है तो वो द बेस्ट शब्द होने चाहिए, यू नो, इस तरीके से। और इसी तरीके से जब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी पढ़ेंगे, जब वो गुरु के बारे में लिख रहे हैं वो इज वेरी पोएटिक, सो या जी। ये वो बारीकियां हैं, अक्सर जो है ये बारीकियां आप देखने को नहीं मिलती, बट कभी कभी जब ये ऐसी झलकियां मिलती हैं तो ये वाली है, ये मतलब इस पे नजर डालने वाली, मतलब ये बनता है कि आप इसको ठीक है। सो अब हम आगे चल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं, तो ठीक है वही दोबारा मैं वही रिविजन कर रहा हूँ। हमने शुरुआत करी थी सबसे पहले गुरु तत्व, और गुरु तत्व के अंदर हमने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और साथ ही साथ गुरु परंपरा क्या है इसकी, ये हमने हमारा वहां से शुरुआत की थी। उसके बाद हम आए श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य पे, क्योंकि गुरु तत्व के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा पाला भी उन्हीं से पढ़ता है सबसे पहले, और आश्रय भी सबसे पहले तो वो प्रभुपाद आश्रय की वजह से हमने फाउंडर आचार्य। उसके बाद हम इस काम के वर्तमान गुरुओं के बारे में हमने बात करी, जिसके अंदर वही दोबारा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु वगैरह जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करा, वो गुरु इस काम के अंदर बाहर ये सब डिस्कस करा। फिर ये तत्व के अंदर चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम आ गए रिश्ता कायम करने में, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप के अंदर फिर हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने ये देखा कि गुरु का आश्रय कैसे लिया जाता है, पदाश्रय, जिसके अंदर फिर हमने देखा कि हमारे तीन आश्रय कौन कौन से हैं, ठीक है, इस तरह ये चीज। और फिर उसके तहत उसके नेक्स्ट हमने देखा कि सिलेक्टिंग ए गुरु, कि गुरु का चुनाव कैसे किया जाए, है ना। तो गुरु चुनाव करने देखने के बाद फिर हम आए अपने पे, कि इस गुरु के साथ जब हम संबंध जो हम स्थापित करेंगे तो हमारे संबंध की जो बुनियाद होगी वो होंगे वो वादे जो हमने अपने गुरु से किए हैं, इसके अंदर कम से कम 16 माला का जाप और 4 नियमों का पालन, ये वादा जो हमने किया इसके बुनियाद पे जो हमारा गुरु के साथ संबंध स्थापित होते। फिर हम आ गए कि अब जब स्थापित हो गया तो अब स्थापित के अंदर हम इस संबंध को चलाएंगे कैसे। तो उस चलाने का पहला पड़ाव जो था वो था गुरु की पूजा करना। तो सबसे पहले हमने ये इंश्योर किया कि हमें श्रील प्रभुपाद की और अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की पूजा करनी आती है, ठीक है ना। तो ये हमने, ये अभी तक जो है हमारा यही खत्म हुआ, इसी के तहत व्यास पूजा सब कुछ जितने भी तरह की पूजाएं थी वो सारा इस में चला। और अब ये करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जो कि है गुरु सेवा, गुरु वपुवाणी सेवा, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी हम देखेंगे, गुरु सेवा के अंदर गुरु सेवा और गुरु वपुवाणी सेवा, ठीक है। सो इससे पहले कि मैं कोई भी एक सेकंड, ये बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है कि ये एक क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज है, एक सेकंड में ना इसको, बल्कि मैं स्क्रीन पर कुछ कर रहा हूँ दरअसल, ताकि वो आपके लिए बेहतर हो जाए, जिसका लैंडस्केप कर देते हैं।
यस अब हो जाएगा। मैं ये हटा के बल्कि आपके सामने एक सवाल रखता हूं। एक स्क्रीन आ गई। यस मैम। यस हिंदी में ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, पार्टिसिपेट करने में आसानी होती है लोगों को। एक सेकेंड। हाँ जी, इसका हिंदी जो है वो यूं कर, अपने गुरु की सेवा कैसे कैसे की जा सकती है, ठीक है, ये सवाल है। ओके चलो शुरू हो जाओ, माइक्रोफोन ऑन कर लो और शुरू हो जाओ। प्रणाम उनका प्रणाम मंत्र पढ़ के। मैं करके ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो जी व्यास पूजा बनाकर। एक सेकंड। ओके व्यास पूजा हो गई। गुरु पूजा, गुरु आरती, व्यास पूजा प्लस गुरु पूजा कर देता हूँ मैं, ठीक है। गुरु की वाणी का आदर करना चाहिए। ये आ गया इंस्ट्रक्शन, वाणी वाणी सेवा। गार्लैंड ऑफर करके, ध्यान पूर्वक जप करके प्रभु जी, ठीक है। ओके जप बेसिकली गुरु की, जैसे आप गुरु देखिए ये वर्ड जो है, मैं बल्कि एक काम करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ ताकि सवाल जो है ना वो और फोकस रहे। याद रखिए कल हमने, कल और आज तक हमने गुरु पूजा पे डिस्कशन किया था, अभी हम गुरु सेवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा। यस प्रभु जी, जो गुरु, जो हमारे गुरु जी जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उनको फॉलो करना। आ गया ये रहा। और गुरु की कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं, उनकी पर्सनल नीड्स को देखना, उनकी मसाज करना। वेरी गुड। पर्सनल केयर लिख दें। यस प्रभु जी। तो वही पर्सनल केयर के अंदर आप मसाज, प्रसाद है ना, एक्सेट्रा आप है ना, ठीक है। और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, और गुरु की कैसे कैसे सेवा करी जा सकती है। माय कॉन्फिडेंट, एक मिनट शिवोली मां जी क्या कह रही है। प्रभु जी बाय लक्ष्मी सेवा फॉर हिज प्रीचिंग। डोनेशन वेरी गुड। यस टेंपल कंस्ट्रक्शन। प्रेरणा मजी ने क्या कहा, टेंपल कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, इसके लिए मदद करना। या ऐसे 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 करता हूँ, प्रोजेक्ट्स लिख दूँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर टेंपल कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा चीजें आ जाती हैं। और बताएं प्रभु जी, उनके साथ यात्रा में जाना, यात्रा सेवा, यात्रा पे जा सकते हैं। ओके फाइन, यात्रा ठीक है जी, यात्रा प्रभु जी, अगर वो कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं तो उनके ट्रांसलेशन में, उसकी बाइंडिंग वगैरह में हेल्प करना। ओके बुक प्रिंटिंग, ये ठीक है ना, बुक प्रिंटिंग ठीक है, मतलब उसमें आगे जो आप बात करना चाहते हैं प्रोग्राम, और उनके प्रोग्राम्स को, उनके 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 प्रोग्राम्स अटेंड करना। ओके ये पर्सनल केयर का तो सारा हो गया, और उनके कमरे को साफ करके। और प्रभु जी, और अगर प्रभु जी डोनेशन देकर
आ गया, बोल चुके पहले, ये रहा डोनेशंस। प्रभु जी उनके मूड को समझना। प्रभु जी हाँ ये भी अच्छा है, पर एक कुछ करने वाली चीजों की तरफ ज्यादा हमारा हुआ है इस वक्त। यस गो अहेड प्रभु जी, उनके मूड को समझना। मैंने कहा कि हाँ मैं बात को समझ गया, हम यहाँ पे अभी सेवा मतलब कि जो दिखाई दे रही है ऐसी कोई चीज, इस पे ज्यादा उनको ग्लोरीफाई करना। तो वेरी गुड, ये हुई ना बात। जपा सेवा, जब उनकी डायरेक्ट टू सर्विस बताइए ज्यादा वो रहेगा, क्योंकि जब तो आप कर रहे हैं वो तो गुरु के इंस्ट्रक्शन के तहत कर रहे हैं ना, तो वो चीज हम ले चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी करना। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, ये यस संजीत प्रभु जी फरमाइए। प्रभु जी हम कह रहे थे जी हमारे गुरु जी है और उनके गुरु जी, उनके गुरु जो उनको जो सेवा दी है ना वो सेवा करके, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। ये एक बड़ा, ये एक बड़ा अच्छा आपने, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, क्या किया मैंने, एक सेकंड मैं बात करते करते दो चीज कर रहा था तो इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ पर जो संजीत प्रभु ने बात करी वो बहुत जबरदस्त वो है, assisting in the service of one's guru, है ना, अपने गुरु जो सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा में उनका हाथ बटाना, यही कहना चाह रहे थे संजीत जी। यस प्रभु जी। ओके और बताएं, और आ जाएं। प्रभु जी गुरु के चरणों की सेवा करना, पैर दबाना, मालिश वगैरह करना, सबकी सेवा। मसाज आ गया, मसाज लिखा हुआ है। प्रभु जी उनके साथ में मतलब उनको उनको प्रोटेक्ट फील कराना, सेवा उनको सुरक्षित रखना प्रभु जी, अपने गुरु जी को उससे सेवा मिलती रहेगी। ओके ओके प्रभु जी वाणी सेवा, वाणी सेवा ये नहीं ऊपर दूसरा ही पॉइंट है, उनके वस्त्र धोना। ओके चलो ये भी आ गया, हेल्थ केयर हो गया, वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ठीक है गुड। एक और कहना चाहूंगी, जैसे कि एक सिस्टम होता है और जो हमारे गुरु जी बताएंगे तो उसका प्रॉपर सिस्टम का व्यवस्थित करना उनके लिए, ताकि उनको कुछ भी अरेंज करने के लिए मंदिर में, तो उसकी सेवा करना जैसे कि हमारे ग्रुप को करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ नीड्स हो गए ना, ठीक है टेकिंग केयर लिख देता हूं मैं। आप प्रभु जी टेकिंग रोल लाइक अरेंजिंग हिज ट्रिप्स एंड अदर्स। हां आ गया यात्रा, ये रहा प्रभु जी गुरु महाराज के जो विग्रह होते हैं उनको उनकी सेवा में मदद। ओके ओके assisting you by assisting in service, इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं पूजा, पूजा services। प्रभु जी ठीक है। हाँ जी अमित जी फरमाइए। प्रभु जी जैसे क्या होता है ना, जैसे गुरु महाराज को अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है इतना, तो जैसे कि इंटरनेट के बारे में या फिर जूम पे मीटिंग लेनी है, क्लासेस लेनी है, उसमें उनकी हेल्प करना जिससे वो अच्छे से कर पाए, उसका ध्यान रखना। अगर क्लास लेना उसकी रिकॉर्डिंग भी करना and technical know-how, ये भी आ गया technical know-how, good, काफी लंबी लिस्ट बन गई, ठीक है लिस्ट है आपके पास कि आप गुरु की कैसे कैसे, कोई कल को कोई है ना कि ऑप्शन दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि गुरु की कैसे कैसे सेवा की जा सकती है, ठीक है, तो फिर आप ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके काम आएगी। आइए अब मैं सवाल को इसी के साथ, इसी के पैरेलल मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, दूसरा सवाल के लिए तैयार हो जाइए।
ठीक है, इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ ताकि बाद में आसानी रहे सबको। ठीक है, अब सवाल ये है, अनु अनु माता जी गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो हमारी गुरु परंपरा है उसके अकॉर्डिंगली सभी को प्रचार करना, गुरु परंपरा के अकॉर्डिंगली, जैसे प्रीचिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंदिरों का निर्माण करना। ओके, टेंपल कंस्ट्रक्शन, एक सेकंड। डिवोटीज एसोसिएशन प्रसादम बोला पहले किसी ने, पहले मैं वो लिख लूं। डिवोटी का क्या बोला किसने, क्या बोला डिवोटी? डिवोटीज एसोसिएशन मतलब सौहार्दपूर्ण रहना डिवोटीज के साथ। एसोसिएशन सर्विस पूछ रहे हैं, डिवोटी सर्विस कर सकते हैं, सर्विंग द डिवोटी लिख सकते हैं, सर्विंग द डिवोटीज भी हो सकते हैं, प्रोवाइडिंग मैन पावर फॉर द प्रोग्राम्स। ओके, प्रभु जी रूल्स इन डीटी वर्शिप। ठीक है, डीटी सर्विस, सर्विस लिख गया पूरा मैंने, डीटी सर्विस। ठीक है प्रभु जी, नए भक्तों को जोड़ना, गुरुकुल गौशाला बनाना, कंस्ट्रक्शन के साथ कर लेते हैं गुरुकुल और गौशाला, प्रभु जी इस कौन के नियमों को फॉलो करना, जो नियम है उसके अकॉर्डिंगली सारे कार्य करना। ओके, फॉलोइंग टेंपल वॉशिंग, इंस्ट्रक्शंस ही हो गई ना बेसिकली, नियम मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस मिले। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, जैसे वैष्णो का आविर्भाव, तिरुभाव और भी जितने सारे, रथ यात्रा करना, टेंपल वॉश करना, टेंपल क्लीनिंग, शाबाश प्रभु जी। बेसिकली मंदिर मार्जन भी बोल सकते हैं ना हम इसको, वही टेंपल क्लीनिंग मंदिर मार्जन। ठीक है, यस कानुप्रिया मां जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। प्रभु जी फाइनेंशियल और मैन पावर एड प्रोवाइड करना टेंपल के प्रोग्राम्स के लिए, और तो वो फिजिकल सर्विस कह रहे हैं ना बेसिकल, और जो टेंपल की संपत्ति है कोई भी चीजें हैं उसको, उसका ध्यान रखना, उसको मिसयूज नहीं करना है, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना टेंपल प्रॉपर्टी। तो जी डोनेशन भी है, डोनेशन, शाबाश। संकीर्तन करना प्रभु जी, हरि नाम संकीर्तन, प्रीचिंग के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, और बताएं, प्रिपेयरिंग प्रसादम, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चला देता हूँ। ठीक है ना, प्रिपरेशन प्रभु जी, डीटी किचन में सेवा देना, डीटी के अंदर सारा इकट्ठे आ गया इसलिए मैंने डीटी सर्विस लिखा था, मुझे पता था उसकी लंबी लिस्ट आने वाली। नामट्टा प्रीचिंग के अंदर आ गया, प्रीचिंग और जोड़ लो, नामट्टा जोड़ लो, चलो आ जाओ। कने सुंदरी मां जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम धाम यात्रा जाते हैं, मंदिर नया व्यक्ति आता है, हाँ जी, तो हमें उसका आचरण रखना चाहिए ताकि उसे लगे कि कौन से जुड़े हैं, ये इतना अच्छा है, उसे सब करते इतने अच्छे हैं। प्रीचिंग प्रीचिंग ही हो गई ना, घूम के बाद इस्कॉन का प्रचार प्रचार पे आ गए। ठीक है ना, खुशी माता जी, हरे कृष्ण, प्रॉपर के मैसेज को प्रोपगेट करना हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु से पहले, टीचिंग अगेन कमिंग बैक टू टीचिंग। ठीक है, ओके अमित आप जी, असिस्टिंग दोस डिवोटीज फॉर एक्टिविटीज, या असिस्टिंग डिवोटीज, वही सर्विंग द डिवोटीज प्लस असिस्टिंग रवि जी।
ओके यस कारुप्यामा जी, प्रभु जी अपना आचरण और अपना व्यवहार इस तरह से रखना कि जो है दुर्व्यवहार इस्कॉन की शिक्षाओं का। या एक काम कर सकते हैं, आचार प्रचार कर लेता हूँ, चक्कर ही खत्म है ना। प्रभु जी ध्यान पूर्वक जप करना या वो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएगा। प्रभु जी जो इस्कॉन के सेंटर्स हैं, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स बनाना जिससे कि लोग टेंपल टेंपल कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाए। प्रभु जी तुलसी पूजन भी हो सकता है इसमें, तुलसी सेवा करना जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड डीटी सर्विस के अंदर ही आ गई पूजा, हर तरह की पूजा। अमित प्रभु आखिरी यस प्रभु जी, जैसे हमें जो क्या बोलते हैं प्रभु जी हैं उन्हें धोती कुर्ता पहनना और तिलक बेयर करके रखना और माताओं को अपना जो एक आचरण है वो सही से मैनेज करना, और दूसरा जैसे कहीं पे आचार प्रचार है लिखा हुआ तेरा, जैसे कहीं पे प्रभु जी क्या होता है ना कई बार सेमिनार्स वगैरह होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो वहां के लिए अरेंजमेंट करना, स्पीकर लाना, टेंट की व्यवस्था करना, मैन पावर का देखना, जो भी सारी नेसेसिटीज होती है वहां पे करना। असिस्टिंग डिवोटीज ये होगा, असिस्टिंग डिवोटीज इन सर्विस, ये लो ऐसा लिख लो। और ज्यादा प्रभु जी कई बार धाम यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो जो डिवोटीज नहीं जा सकते उन्हें स्पॉन्सर करना, गरीब है पैसे नहीं है जैसे उनके लिए, तो धाम यात्रा स्पॉन्सरशिप डोनेशन के साथ जोड़ देता हूँ है ना, स्पॉन्सरशिप हो गया। ठीक है आ गया दूसरे नंबर पे, ठीक है इस्कॉन फाउंडर जा रहे पूजा के अंदर आ गया, ये ना पूजा उसमें तुलसी पूजा भी आ गया, फाउंडर आचार्य भी हो गए सारे। ठीक ओके ये भी लंबी लिस्ट हो गई, आइए काम करते हैं, ये दोनों लिस्ट दिखाई दे रही है क्या इकट्ठे, छोटा कर दूंगा नहीं दिख रही अब क्लियर हो गया। ओके चलिए बचपन में हम खेलते थे ना मैच द फॉलोइंग, ठीक है आइए मैच द फॉलोइंग खेलते हैं। निर्देशों का पालन करना, ठीक है, और इस्कॉन में गुरु परंपरा के पूरे निर्देशों का पालन करना इस्कॉन, ठीक है। पूजा व्यास पूजा वगैरह वगैरह, ठीक है चल, और इस्कॉन के अंदर भी जो है श्रील प्रभुपाद की पूजा, तुलसी पूजा, भगवान की पूजा, ठीक है, गार्लेंड्स वगैरह भी उसी के अंदर। ओके एनीवे कोई बात नहीं, फेस्टिवल वगैरह में जब फेस्टिवल मनाते हैं तो उसके अंदर गार्लेंड्स वगैरह सब पहनते पहनाते फेस्टिवल का हिस्सा है। शिमोली माँ जी बहुत तेज है, शिमोली माँ जी बहुत तेज है, बात पूरी करने से पहले ही जो है पकड़ लिया। ओके तो चलो एक काम करता हूँ, उल्टा कर देते, ठीक है ना, उल्टा कर देते। अब जरा ढूंढना इन दोनों में गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा में कोई ऐसी सेवाएं हैं क्या जो गुरु की तो हो सकती पर इस्कॉन की नहीं हो सकती, और इस्कॉन की हो सकती है तो गुरु की नहीं हो सकती, ऐसी सेवा ढूंढिए। चलिए पर्सनल केयर, हाँ बहुत अच्छा, पर्सनल केयर ठीक है, ठीक है रुक जाओ अभी बात पूरी नहीं हुई है, ये देखना साथ में उसी के साथ लिखा हुआ, गुरु भी एक डिवोटी है कि नहीं है, गुरु कोई डिवोटी नहीं है बेचारा, जब किसी डिवोटी की सर्विस करते हो तो उसमें सारी चीजें आती नहीं आती,
ऐसी कोई सेवा नहीं है जो अलग अलग हो, दीप्ति माता जी ऐसी कोई सेवा नहीं है। ढूंढो देखो कौन सी सेवाएं हैं जो गुरु की तो है पर इस्कॉन की नहीं है, इस्कॉन की है पर गुरु की नहीं है। There won't be any project. There won't be any. So इससे फिर अगर अगर ऐसा ही है तो हम इससे कुछ कोई कंक्लूशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? शिमोले मां जी, वुड यू लाइक टू असिस्ट अस इन ड्रॉइंग अ कंक्लूशन? आवाज पूरी नहीं आ रही शिमली माँ जी, गो अहेड। I'm saying if we are serving, we are by default serving ISKCON. Yes. And how about vice versa? If we are serving ISKCON? Same thing probably. Yes. Serving Guru is serving ISKCON and serving ISKCON is serving Guru. ठीक है, तो अब इससे हम ये कंक्लूशन निकाल मैं लिख रहा हूँ, ये चीज आप देखिए जरा, मैं ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? So, अगर ये मैंने लिखा है ऊपर जो आया था तो ठीक है? Yes, प्रभु जी। ठीक है, किसी को कोई एतराज हो तो बताइए। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी कसरत इसलिए कराई गई है ताकि आज के बाद जो है इस कॉन के अंदर अब जब आप जाएं तो आप ये आप इस लड़ाई का हिस्सा ना बने कि जो मैं तो गुरु की सेवा करूंगा इस्कॉन जाए पहाड़ में। गुरु इस्कॉन का हिस्सा है ना, जब गुरु इस्कॉन का हिस्सा है तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि आप इस्कॉन की सर्विस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं तो गुरु की सर्विस नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इज द आइडिया, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका गुरु वही सारी सेवाएं कर रहे हैं ना जो इस्कॉन की सर्विसेज है। ये गुरु ये देखिए ना, गुरु खुद जो है यही सारी सर्विसेज कर रहे हैं, यही गाते हैं ना हम रोज। जब हम गुरुवाष्टकम गाते हैं सुबह मंगल आरती में तो क्या होता है? शिव विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो तेरा टेम्पल क्लीनिंग डीटी सर्विस युक्तश्च भक्तांश्च नियोजितो। इसमें भक्तों को लगाया जाता है, कौन लगाता है? गुरु लगाते हैं। फिर क्या होता है और क्या क्या होता है? चतुर्विधा भगवत प्रसादम, ये रखा गया हमारा प्रसाद, ये रहा, दिस इज वेरी फेम This favorite of mine, ठीक है ना? तो ये चतुर्विधा भगवत प्रसाद आस्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान, हरिभक्त संगान बोरा सर्विंग डिवोटीज एसोसिएटिंग डिवोटीज, getting my point? So this is the Gurvashtakam in action. So service to Guru is service to ISKCON and service to ISKCON is service to Guru. अब इसको इसके इसको मद्देनजर रखते हुए आइए या एक सेकंड, वाह तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक सेकंड चलो चला ये रहा। तो 5 मिनट लगाकर जो है आप इसको भी यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए बनाया हुआ ये पेज नंबर कौन सा है आपका मैं देख देता हूँ तो किताब में 46 ना, सो दिस इज ये एक्सरसाइज चल रही थी। हाउ सर्विस टू गुरु इज सर्विस टू ISKCON, ये जो बात हम कर रहे हैं वो चाहे बेशक एग्जांपल्स कितने भी हो सकते हैं मगर आप ये निकालना मुश्किल हो जाएगा कि इसका अंदर कोई
सर्विस गुरु खुद भी वो सर्विसेज कर रहा है इस्कॉन के अंदर और गुरु इस्कॉन का हिस्सा है. ओके ये बेसिकली वो लड़ाइयां खत्म करने के लिए जो शाम का डिवोटीज जो है बैठते हैं आपस में गुरु जी की सर्विस करनी है और ये गुरु जी की सर्विस करने नहीं देते हैं. दरअसल ये जो जो इस चीज के बीच में जो भेदभाव करेगा ठीक है ना वो दरअसल इस्कॉन और गुरु के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन डाल रहा है. वो अपनी बेवकूफी से जो है इस्कॉन का नुकसान कर ये चीज इसलिए समझना इतना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था. चलिए अब हम आगे चलते हैं. अब मान लीजिए मैं बल्कि अगर इसको मैं उल्टा कर दूं और मैं ये कहूं कि सवाल को जारी रखता हूं मैं मतलब सवाल बदलता हूं सब्जेक्ट को जारी रखता हूं. सब्जेक्ट को मैंने यही रखा हुआ है यही सब्जेक्ट है अभी ऊपर वाला नीचे वाला नहीं जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पे मैं अभी रहता हूं और नया सवाल है इसी के ऊपर. अगर गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा के बीच में इम्बैलेंस लाना हो तो ऐसा हो सकता है इम्बैलेंस लाना हो तो ऐसा हो सकता है दोनों के बीच में जो है इम्बैलेंस समझ रहे हैं क्या ये मुमकिन है करना ऐसा या यू यू या ओके पहले पूछ लीजिए ना क्या ये मुमकिन है ऐसा हो सकता है कोई जवाब नहीं आ रहा. प्रभु जी पॉसिबल तो नहीं है पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है ये एक किसी दो चार बंदों के करने से तो इतनी कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए. पॉसिबल नहीं है प्रभु जी एक एक इतने बड़े वट वृक्ष को दो अगर के सामने में कुछ छोटी मोटी चीजें आ जाएंगी तो ठीक है पर मैं वो दो चार लोगों की ही बात कर रहा हूँ. इस्कॉन की सेवा और गुरु की सेवा के बीच में क्या कोई फर्क डाला जा सकता है क्या कोई इम्बैलेंस हो सकता है तो अनुमान जी कह रही है कि दो चार लोग कर सकते हैं ऐसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता. तो मैं कह रहा था कि मैं दो चार लोगों की बात कर रहा हूँ. और प्रभु जी अभी जैसे आपने बताया था कि प्रभुपाद जी जो व्यास पूजा है अब अच्छी होनी शुरू हो गई है पहले उसमें मतलब रहता था कि उनकी जो प्रेजेंट गुरु है उनकी ज्यादा अच्छी होती थी तो वो चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाती हैं क्योंकि डिवोशन इतना अच्छा है सबका कि वो गाइडेंस पे ट्रैक पे ले आते हैं. तो जैसे अगर ये आईडीसी कोर्स के थ्रू नहीं होता तो शायद वही चीजें कंटिन्यू चलती रहती तो पर वो ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है तो वो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है. ओके पर अदरवाइज आप ये मानती है कि दो चार लोग ऐसे हमेशा हो सकते हैं जो डिसबैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. प्रभु जी होते तो ये हर जगह पे दो चार लोग को घर खराब करने वाले होते ही हैं प्रैक्टिकल. नहीं हम इस पे बात करना चाह रहे हैं ना क्योंकि इसकी वजह ये है ना कि दो चार लोग ही चाहिए होते हैं एग्जैक्टली मेजॉरिटी जो होती है वो तो चुप बैठ जाती है दो चार जो लोग ही होते हैं जो शोर मचाते हैं तो इसीलिए ये डिस्कस कर रहे हैं. यस अमित प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जनता जी. प्रभु जी कई बार ऐसा कर देते हैं डिवोटीज कि जैसे हमारे गुरु नहीं है टेंपल में या वो नहीं लेक्चर ले रहे तो ना सेवा करेंगे टेंपल में जाके और ना जाएंगे अपना मूड अलग कर लेंगे सेवाओं से हट जाएंगे. कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे उनका लेक्चर पसंद नहीं है तो हम इसलिए नहीं जा रहे आज उनका लेक्चर है तो हम जाएंगे हमारे यार वो एक अलग चीज है. पसंद ना पसंद तो चलो किसी की हो सकती है मगर ये जो बात कर रहे हैं ना अमित प्रभु तो मैं कभी मंदिर आता हूँ जब मेरे गुरु जी मंदिर आते हैं. प्रभु जी वही है मेरा भी सिमिलर ही था कि सर्कलिंग एवरीथिंग अराउंड द पर्सनल गुरु एंड नॉट ऑल द गुरुज और इस्कॉन सिर्फ एक ही के आसपास सब कुछ घूमेगा. यस तो ये चीज है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ प्रेरणा माजी मेरा भी इससे रिलेटेड है कि अगर मेरे गुरु की व्यास पूजा है तो मुझे जाना चाहिए और किसी दूसरे गुरु की व्यास पूजा है तो मुझे नहीं जाना चाहिए बाढ़ में जाए. हाँ, बाढ़ में जाए
बिल्कुल ठीक यस। तो ये हम बात करें तो डिसबैलेंस हो सकता है, अगर हम डिसबैलेंस डिस्कस नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस होगा, तो जो हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे इसीलिए कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, उम्मीद आपकी सब अच्छा हो ये इसकी हो सकती है, मगर तैयारी सबसे बुरी की होनी चाहिए। और याद रखिएगा जैसे अनुमान जी मैं ये बात आपके थ्रू सबसे कि होप इज नॉट ए स्ट्रेटेजी, उम्मीद लगाना कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता, ट्रेनिंग होती है स्ट्रेटेजी का हिस्सा। तभी ये डिस्कशन जरूरी है ये चीज कि भाई दो चार लोग होते हैं, दो चार लोग ही होते हैं, दो चार ही तो होते हैं, दो चार को देख के बाकी भी वही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वही एक एक मछली काफी होती है तालाब गंदा करने के लिए। ऐसे शुरू होता है, दो चार से शुरू होता है। वैसे हर जगह आप देखेंगे दुनिया में जब भी बुराई होती है तो बुराई में जो है सर चढ़ के बोलने वाले दो चार ही होते हैं, मेजोरिटी तो चुप बैठी होती है। तो इसीलिए जो है ये डिस्कशन करना जरूरी है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है बिल्कुल, जैसे ही ये चीज आए तेरा गुरु मेरा गुरु, जैसे ही तेरा मेरा शुरू होगा तो उसके बाद से ये शुरू होता है। और एक को देख के दूसरा दूसरे का वो खराब होता है, एक को देख के दूसरा जो है ऊपर तो उठता नहीं नीचे जरूर गिर जाता है। ये नहीं होता ज्यादातर कि अगर एक बंदा जो ऐसी हरकत कर रहा है तो मैं ठीक रहूं, उल्टा होता है, वो भी शुरू कर देता है फिर बाद में जब उसको पकड़ के तो वो भी तो करता है, अब उसे यूं नहीं बोलते। ये चीज इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्बैलेंस जो है ये आपको हर जगह पे दो चार, जैसे बिल्कुल आपने अनुमान जी ने जैसे बताया हर जगह पे दो चार मिलेंगे, तो ये वो दो चार लोग हैं जिनसे जो है दूरी बना के रखना, रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस, और बाकी डिवोटीज को सही ट्रेनिंग देना और खुद भी सही एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, यही इसका इलाज है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो जैसे जैसे अनुमान जी ने अभी एग्जाम्पल दिया कि इस फॉर्म में जब जो है ये आईडीसी वगैरह के वजह से जो है सही प्रैक्टिसेस होनी शुरू हो गई, सारे ठीक ठीक लाइन में लग लिए, वो लोग भी जो पहले जो है इस तरीके से करते थे उछल कूद करते थे वो भी जो है रास्ते पे राय रास्ता आ गए। तो ये चीज, सो देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग दिस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस दिस। ओके, अगर आप ये इसके बारे में ये जो अभी हमने डिस्कस किया जो खासतौर पर लोग सही करते हैं गलत करते हैं, सो एक सेकंड मैं कुछ कर रहा हूँ, एक मिनट, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना वो, हाँ मैं दूसरा मैं हैंडबुक पे ही जा रहा हूँ, वो देखिए जो आपके हैंडबुक पे जो नीचे वाली चीज है कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड अप्रोच, तो यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये एक मिनट दो मिनट लगा के लिख लीजिए, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, एक दो मिनट लगाकर जो इसे लिख लीजिए कि गुरु सेवा और सर्विस टू स्कॉन में जो है बैलेंस बनाने की क्यों जरूरत है, इम्बैलेंस होने से क्या नुकसान है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर इसे देख लीजिए, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ।
किसी को और वक्त चाहिए? आई कैन सी इफ यू डिवोटेड स्टिल राइटिंग. ठीक है, लिख लीजिए, फिनिश कर लीजिए. मैं आई कैन सी इफ यू डिवोटेड स्टिल राइटिंग. आई कैन सी छठा भक्ति माझी कान्हा सुंदरी माझी शिवरी माझी राइटिंग. बाकी को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ लेते फिर हम आगे चलते. ओके, तो आगे चले. आगे चलूं मैं आगे चलूं? यस प्रभु. ओके, तो गुरु वपु है वाणी से. ठीक है, तो अच्छा कल कोई पूछ रहा था वपु और वाणी का मतलब क्या है. वपु का मतलब है जिसम शरीर, ठीक है ना, और वाणी का मतलब हम समझते हैं जो उनका निर्देश. ठीक है, ये देखिए आप प्रभुपाद क्या कह रहे हैं. ये गोविंद दासी माता जी को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी है. यू राइट दैट यू हैव डिजायर टू अवेल ऑफ माई एसोसिएशन अगेन. गोविंद दासी माता जी चिट्ठी लिख रही है प्रभुपाद को. प्रभुपाद जब एक्चुअली तब ट्रेवल करना शुरू हुए थे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इसलिए आप चाहते हैं, आपने लिखा है कि आप मेरा जो है दोबारा मेरा संग चाहते हैं. बट वाई डू यू फॉरगेट दैट यू आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद मी. पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप हमेशा मेरे संग, मेरे साथ, मेरा संग आपके पास हमेशा है. वेन यू आर हेल्पिंग मी इन माई मिशनरी एक्टिविटीज, जब आप मुझे मेरे प्रचार के कार्य में मदद करते हैं, आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू. And you are always thinking of me. That is real association. जब आप मेरे इस प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, सहयोग देते हैं, तो मैं हमेशा आपके बारे में सोच रहा हूँ और आप हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हैं. मैं आपके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? इसलिए सोच रहा हूँ कि I'm grateful to you. The guru is feeling gratitude towards the disciple. And generally उल्टा होता है. Disciple feels gratitude, but the guru also feels gratitude towards the disciple. मैं आपके लिए, आपके बारे में सोच रहा हूँ. And you are always thinking of me. आप मेरे बारे में सोच रहे हो, तभी तो मेरे लिए सेवा करके दे रहे हो. That is real association. Association का मतलब जबानी कलामी नहीं, जबानी जमा खर्ची नहीं. क्योंकि मैं आपके, आप मैं मेरे गुरु जी फला है, ये है, वो है, और सेवा के वक्त जो है गायब. So, that is the idea. आगे प्रभुपाद देखिए आगे और भी चीजें कह रहे हैं. गुरु सेवा, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डिसाइपल टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्प्रेड लॉर्ड चैतन्यस मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये है सेवा, गुरु सेवा. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे दुनिया में फैलाना और इसमें जो अपने गुरु की मदद करना, दैट इज कॉल्ड गुरु सेवा. इन सब के तहत वो सारी चीजें आती है जो हम बात कर रहे थे. अब देखिए ना, ओहो मैंने लगता है वो नहीं बंद करी. अच्छा हो गया, रुकिए. अब देखिए मैं आपको, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसके अंदर एक पहलू है छोटा सा बट सिग्निफिकेंट. ये जो चार्ट आप लोगों ने बनाया था, ठीक है ना, इसमें आप लोगों ने दोनों तरफ इधर चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, चाहे इस तरफ, जैसे मैंने कहा कि इस तरफ लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो. सो अगर इसके अंदर से मैं प्रीचिंग को निकाल देता हूँ, यानी कि आप ये सब कर रहे हैं और एक्चुअली प्रीचिंग नहीं है, प्रीचिंग है ही नहीं, ठीक है, तो इनमें से कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी? बहुत कम या ना के बराबर. अब देखिए अगर प्रचार नहीं है तो आप किसके लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? कौन सी गुरु पूजा, कौन सी व्यास पूजा, ठीक है ना. टीचिंग नहीं है तो कोई निर्देश पालन करने वाला भी नहीं, इंस्ट्रक्शन बात ही खत्म हो गई. हाँ डीटी सर्विस हो सकती है आपकी अपनी हो, पर वो फिर ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा एलैबोरेट नहीं होगी जैसे इस काम में देखने को मिलती है. करने वाला ही नहीं होगा कोई, ठीक है ना. फिर मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं है,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी की जरूरत नहीं है, गुरुकुल गौशाला क्या खोल के क्या करना है फिर हमने, ठीक है ना, यात्राओं पे क्या जा रहा, खुद ही चले जाओ, यात्रा ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है, रथ यात्रा क्या करना फिर, रथ यात्रा कौन करेगा फिर, जरूरत ही नहीं है, समझ रहे। और दरअसल आप देखेंगे फिर एक्चुअली डिवोटीज की सर्विस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, है ही नहीं। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि प्रीचिंग फॉलोज मैनेजमेंट फॉलोज प्रीचिंग, कोई भी दूसरी सेवा जो है वो प्रचार के पीछे पीछे चलती है, जब प्रचार होता है उसके बाद दूसरी सेवाएं जन्म लेती हैं, जब प्रचार नहीं होगा तो बाकी दूसरी सेवाएं जन्म ही नहीं लेंगी, मौका ही नहीं लगना, ठीक है। तो इसीलिए स्पीचिंग को स्ट्रेस दिया गया है, वो जो हम बात करते कि जैसे हम देखते हैं इस्कॉन की खासियत जो प्रभुपाद ने, है ना, जब हम देख रहे थे इस्कॉन के प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य क्यों है, तब उसके अंदर हम देखा कि स्पेशल स्ट्रेस फंक्शन ऑन प्रीचिंग, ये स्ट्रेस जो है प्रीचिंग पे अगर दूसरे वैष्णव संप्रदायों में भी इतना स्ट्रेस नहीं मिलेगा आपको जितना प्रभुपाद ने दिया, इस वजह से कि प्रीचिंग के बाद ही जो है आप जो है इतना स्ट्रेस देना बनता है, बाकी सारी चीजें फिर सब चीजें जो है उसके बाद आती है, उसके साथ साथ चलती है, ठीक है। सो जब आप कह रहे हैं अगर प्रचार ठीक हो रहा है तो बाकी सारी सर्विसेज भी जन्म लेंगी और फिर वो भी करने का उनको ठीक करने का मौका मिलता है, ठीक है। या अब जैसे वो किसी डिवोटी ने लिखा किताब की भी, हमारी किताब भी हुआ करती थी प्रीचिंग इज द एसेंस, तो यार प्रीचिंग इज द एसेंस का मतलब क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ्स, स्टेटमेंट ऐसे पूरी होती है, प्रीचिंग इज द एसेंस का मतलब ये नहीं इस्कॉन का एसेंस है, इस्कॉन तो बिल्डिंग है, अगर मेरा पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है तो क्या है प्रीचिंग, किसके लिए, प्रीचिंग इज द एसेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ्स, बुक्स आर द बेसिस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ्स, इस्कॉन का बेसिस नहीं है कि चलो जो किताबें बेचने से पैसे आते हैं और प्रीचिंग करने से लोग आते हैं, नहीं, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये देखिए गुरु वपुवाणी सेवा जो हम अब हम इधर वापस आ गए, जो हमने बात करी तो हमने बात कर ही ली है गुरु वपु और वाणी सेवा के बारे में, ठीक है, कि गुरु की हम कैसे वपु सेवा और वाणी सेवा कर सकते हैं। अब इनके बीच में एक कंपैरिजन आएगा, ठीक है, अब इसके अंदर जो है कंपैरिजन करा जा सकता है। वैसे इससे पहले 5 मिनट मुझे लगता है बल्कि इस पे लगाया जा सकता है, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, ठीक है, और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा सवाल को, छोटा सा सवाल है, आप में से कितने यहाँ भक्त हैं पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिन्होंने कभी किसे एडवांस्ड वैष्णव की, वैष्णव या वैष्णवी एक ही बात है, कि पर्सनली सर्विस करी हो, मौका मिला हो किसी एडवांस्ड वैष्णव या वैष्णव वैष्णवी की पर्सनल सर्विस करने का मौका मिला हो, कोई हाथ खड़ा करे तो, तीन, ओके, चार, पर्सनल मौका मिला, ओके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, सिंपल मार्जिन ऐसे 9 लिखा है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादा लोग नहीं होंगे, ये 4-5-6 लोग इन्हें हाथ खड़ा किया, ठीक है, जनरली इसका मौका कम मिलता है, सो पर्सनल सर्विस करने का मौका, आप बचपन में भी चलेगा हेमंत, बचपन में भी चलेगा किसी साधु की अगर आपने कभी सेवा करने का मौका मिला हो तो, ठीक है, ओके फाइन। सो 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया था तो बस उन्हीं से मैं अगला सवाल पूछूंगा जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप में से कोई अपना तजुर्बा बताना चाहे, पूरे क्लास के साथ शेयर करना चाहे, माइक्रोफोन खोल के शुरू कर सकते हैं जिनका पर्सनल तजुर्बा है। प्रभु जी मेरा एक पर्सनल रियलाइजेशन है कि जैसे कि हमारी सर्विस पहले सर्विस बताइए, क्या सर्विस की थी, क्या था, फिर मैं अगला सवाल पूछूं।
सर्विस यही है कि सर्विस यही थी कि हमें मैसेज डिलीवर करना था कि भक्तों को कि सभी भक्त क्लास में टाइमली पहुंचे, ये सेवा थी। अच्छा ओके, तो ये क्लास के लिए सेवा थी कि किसी पर्सनल डिवोटी के लिए सेवा थी? ये दीक्षित माता जी है मेरी, उन्होंने उनका मैसेज था कि आप सबको मैसेज डिलीवर करें ग्रुप में। ऑलराइट ओके, आई एम लुकिंग फॉर मेबी अनदर, मेबी अनदर, मेबी एक और सेवा थी उन्हीं की, प्रसादम की, तो सभी वैष्णव के लिए। ओके ओके, आपने सभी वैष्णवों को प्रसाद सर्व किया? जी जी, मतलब सर्व भी किया और बनाने के लिए। जी बनाना, वही बनाना सर, ठीक है। ओके, तकरीबन कितने लोग थे जिनके लिए बनाना था? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और तीसरा ये था कि जैसे कि अभी एक फंक्शन हुआ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जी प्रभु जी, तकरीबन कितने लोगों का प्रसाद बनाना पड़ा था प्रभु जी? मतलब कि 10 to 15। ओके, सो जब आपने प्रसाद बनाया 10-15 लोगों के लिए, प्रसाद बनाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? Very auspicious. Okay, तो इस आपके इस experience से हम generally भक्तों की सेवा करने में कैसा लगता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कैसा लगता है भक्तों की सेवा करने में, या अगर एक सिद्धांत देना चाहे? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छा। मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा। ओके, भक्तों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। वेरी गुड, मिलना चाहिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट बार आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जरूर आगे आऊंगी। उसके अलावा और भी सेवा थी एक बारी कि हमारे बहुत बड़े महाराज आए थे ये इस्कॉन पंजाई वाक के प्रभुपाद भवन में, तो उनके लिए एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो उसकी भी सेवा आई थी मेरे पास, तो दैट टाइम वाज डन दैट। थैंक यू वेरी मच। हेमंत प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया था, आप अपना तजुर्बा बताना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे माता जी के एक गुरु जी थे, बचपन में मैंने उनके पैर दबाए थे, तो और दूसरी चीज वो भी वैष्णवी थे, और उसे ये एक तो प्रोटेक्शन का फील आता है, ये मतलब सेवा करके ऐसा लगा कि जैसे कि आपको भगवान की प्रोटेक्शन हासिल हो रही है, और ऐसे फील होता है कि जैसे हम कनेक्ट हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, और एक कनेक्शन भी भगवान के साथ, एक आपको जो है भगवान की सुरक्षा और भगवान के साथ अपना एक संपर्क, ये दो चीजें आपको महसूस हुई। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। तो इसमें वैष्णव सेवा को लेके अगर आपको सिद्धांत देना चाहे जनरल की वैष्णव सेवा कैसी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वैष्णव सेवा करनी चाहिए, और है ना वो भी हृदय से, मतलब एक शुद्ध हृदय से भगवान वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, और हृदय से वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। आपको आप अगर दोबारा आपको मौका मिले बचपन के बाद, आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली प्रभु जी, मैं मन से सेवा करूंगा। हम कुछ भी काम मन से करते हैं प्रभु जी, उसका रिजल्ट आता है, तो वैष्णव सेवा तो बहुत ऊंची सेवा है। Thank you very much. Thank you, Hemant Prabhu. So that is the general idea of Vaishnav Seva. इसलिए try to find good Vaishnavas, you know, find good Vaishnavas and try to serve them in whatever capacity, much as service is required. वो जो उसकी उनकी सेवा करे, तो यही सिद्धांत आगे जाके जो है आपके दीक्षा शिक्षा गुरु प्रभुपाद, यही सिद्धांत जो है उनके भी लागू हो जाएगा। स्मृति कुंडू माजी कुछ कहना चाह रही है? जी माजी, समझिए प्रभु जी, थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ लो। सवाल क्या वियर्ड होना है, पूछ लो। प्रभु जी, जैसे हम लोग एंथुजियास्टिक होते हैं हमेशा डिवोटीज की सेवा करने के लिए, तो घर वाले बोलते हैं, घर वालों के लिए तो इतना जोश नहीं आता तुम्हें, वहां के लिए तो बीमार होकर भी उड़ जाते हो। उसकी एक वजह, खैर घर की मुर्गी दाल बराबर भी तो होती है ना।
राइट रॉन्ग वाली बात नहीं, वही देखो बात सुनो ना, वही सेम चीज। अगर आप जो घर पे जो करने जो जो हमारे फर्ज हैं, घर के जो फर्ज हैं, अगर उसको आप ठीक से अंजाम नहीं दोगे तो फिर घर वाले तो मारेंगे ताना। तो ये जो है ना, ये आप, ये बेसिकली इसके लिए दूसरी कहावत है, इसका मतलब है आप एल मुझे मार, अगर आप जो है नहीं करोगे तो। ये और ये सिर्फ वैष्णव की सेवा के लिए नहीं है, ये हर चीज में है। ये तो आप माला कर रहे हो, बोले काम कर जो सारा दिन माला करते तो बैठे रहते हैं आप, तो मंदिर बिठा लो जाके, कितने दिन सारा दिन बैठ जाएंगे वहां जाके। तो ये सारी चीजें होती तब, अगर आप सामने वाले की नीड्स को पूरी कर देते हो ना, तो काफी हद तक जो है वो चीज जस्टिफाई हो जाती है और खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर घर वाले उसके बावजूद जो काम को परेशान करे तो बंदा पलट के जवाब भी दे सकता है, बताना कौन सा काम है जो छोड़ा है। अब जब खुद ही चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो फिर तो इसीलिए जो है ये चीज जो है खासतौर पर जब भी, हाँ जब भी आप, ये होता है इस्कॉन में जब लोग जुड़ते हैं ना, मतलब वो तरह तरह की चीजें सुननी पड़ती है, और कई बार ये सच भी होता है। इस्कॉन में जुड़ने के बाद जो है कई लोग हमने मैंने देखा है वो इस्कॉन की ढाल को इस्तेमाल करते हैं अपने काम चोरी को छुपाने के लिए। तो ये भी है, हर तरह की चीजें हैं, तो एक आंसर नहीं है इसका। मतलब मुझे मेनली सुनने में मिलता है कि तुम भेदभाव करते हो, तुम तो एक तरह का जातिवाद कर रहे हो। भेदभाव नहीं, वो देखिए फर्क करना कहाँ पर क्या फर्क है, थोड़ा बहुत है, मगर वही वाली चीज है ना कि एक को एक की पूरी तरीके से अनदेखी करके अगर आप करेंगे ना ये चीजें, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए ठीक है। ये और ये देखा आपके साथ दुखड़ा रोने वाले और बड़े लोग सारे मेरे हमदर्द ना बहुत बड़े में, आपके बड़े हमदर्द मिल रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। नीलू माता जी गो अहेड। प्रभु जी मेरा एक सवाल था कि जैसे सेवा करने को, वैष्णव की सेवा करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है जैसे महाराज कोई आते हैं हमारे, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसा भी उनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो जो प्रसादम रह जाता है, मेरे को एक टाइम पे बहुत दुख हुआ उसका, मतलब मुझे रियलाइजेशन है तब, दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो सैड कि जो प्रसादम था वो हमें और भक्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, बट वो फेंक दिया गया, तो दैट टाइम सो सैड कि ऐसा क्यों किया। तो नहीं पता होगा जिसने फेंक दिया, नहीं पता होगा। जनरली जो बहुत बहुत एडवांस डिवोटीज अगर आ रहे हैं तो उनका तो महाप्रसाद जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। ये भी समझने की जरूरत है कि मतलब ही हैज टू बी रियली 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 एडवांस महाप्रसाद लेने के लिए, ऐसी हर किसी का महाप्रसाद। ये तो इस काम के अंदर छिछोरापन होता है, देना देना, प्रसाद पाने बैठा है बंदा, खा रहा है बैठ के, प्रभु जी देना अपना महाप्रसाद, क्यों बाल्टी ऊपर से खत्म हो गया क्या? ये सस्तापन जो है। नहीं नहीं प्रभु जी आपने ये तो ठीक कहा, लेकिन जो हाँ, जैसे कि हम घर से भी बना के लेके जाते हैं ना, तो वो भी क्रॉप किया जाता है, वो अगर बहुत ही खराब है, फेंक दिया जाता है फिर तो बहुत ही खराब है। जाहिर बात है फेंक देंगे तो फिर दोबारा तो नहीं बनाओगे, और तो ये तो जो फेंक रहा है उसको समझना चाहिए। नहीं सच बात है, फिर क्यों बना, मैं पागल थोड़ी, मैं जो है क्या कहते हैं 3-4 घंटे किचन में लग के लगता हूँ भी, और जो भी मैं सामान बना रही हूँ आसमान से तो पेड़ पे तो नहीं लटकते, पैसे लगते हैं उसके, और उसके बाद बंदा घर में, क्योंकि ये इस्कॉन के जो लापरवाहियां होती है, और अगेन वही सेम चीज, इनसेंसिटिव होने के वजह से जो है ना ये चीजें होती है मंदिरों के अंदर जो है। ये अक्सर होता है कि आपने जो है आप कोई प्रसाद बना के लेके आए, किसी डब्बे में दिया, तो डब्बा आएगा ही नहीं वापस। तो जो एक दो बार मंदिर में प्रसाद दे देता है ना, फिर उसको पता होता है कि डिस्पोजेबल में ही ले रहे हैं, तो फिर निकल आ जाती है, तो फिर वही या तो देना ही नहीं है या तो देना नहीं है, और या ऐसे करना। तो ये क्या करें, ये अब ये जो है ना इसी से पता चलता है हमारे जो हम जहाँ पे हैं वहां पर वो भरा हुआ है नौसिखियों से। बट प्रभु जी एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे मैं किसी अदर इस्कॉन में गई हूँ, वहाँ पर जैसे एक एनुअल फंक्शन होता है हमारा हर इस्कॉन का, तो वहाँ पर भी जैसे 56 भोग लगते हैं, बट वहाँ पर एक रियलाइजेशन ये रहा कि वहाँ पर
जो प्रसाद हम अपने भोग में दिया था वो सारे ही भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो मुझे देखकर अच्छा लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दोनों तो वही, तो वहां जहाँ पर आपने ये देखा वहां पर इसका मतलब डिवोटी ज्यादा समझदार है। और प्रभु जी इट मीन्स, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, इट मीन्स की एसोसिएशन इज बेटर देन लाइक फ्रॉम देयर ना, एसोसिएशन का डिफरेंस आ गया ना कि वहां पर जैसे आपने कहा कि भक्त समझदार है, इट मीन्स की एसोसिएशन अच्छा है। एसोसिएशन अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, वो एसोसिएशन के अंदर ही ट्रेनिंग आती है बेसिकली, वो तभी तो जाके होगा, जिसको नहीं होगा तो फिर वो इसी तरह का करेगा जी झूठा फेंक दिया उठा के, ठीक है ना। तो अब तो इसमें कई सारी चीजें, जैसे वही सेम जब आप प्रसाद बांट रहे हैं तो इतना ना बांटे फिर जो बंदा नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए अक्षितमा जी गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इस क्वेश्चन में एक चीज बस पूछनी थी, अगर कभी सेंटर में प्रसाद एक्स्ट्रा बन जाए क्या किया जाए उसका? अरे यार किसी और को भी खिला दो। और को भी खिला दो, नहीं मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रही हूँ, हमारी लास्ट संडे क्लास में यहाँ पे सेंटर में हुआ था ऐसा। मलेशिया की बात कर रहे ठीक है, मलेशिया की बात कर रहे, मतलब यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि गरीबों को बांट दिया जाए जैसे मंडिया में पकड़ लेते, गरीब वाली बात, गरीब वाली बात नहीं है, गरीब वाली बात, मतलब वैसे बता रहे। हाँ, मैं वैसे मतलब एक चीज पूछ रही थी कि जैसे उस दिन संडे को ज्यादा मना दिया था, मोर डिवोटीज एक्सपेक्टेड थे बट कम आए, तो हमारा काफी ज्यादा सब्जी बच गई थी, तो कुछ ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, तो कि फेंकना ही पड़ेगा मतलब। तो इसीलिए दोनों चीजें हैं। सबसे पहले तो जाहिर बात है बनाते वक्त एक ध्यान रखे, और कई बार प्रीचिंग प्रोग्राम्स में आप ये कह नहीं सकते कि कितने लोग आएंगे, ठीक है ना, तो आप अपर एंड पे ही बना के चलते हैं कि ज्यादा लोग आएंगे तो भूखे ना जाए, ठीक है। तो मगर देखिए दुनिया में कोई भी शायद ही कोई ऐसा ऐसी कंट्री है जहां पर गरीब लोग नहीं है, तो कोई ऐसी जगह पर आइडेंटिफाई करके रख लीजिए कि इस अगर प्रसाद ज्यादा बनता है तो वहां जाके बांट के आ जाए, तो गाड़ी में ले जाए और वहां जाके दे आए, फेंकने से तो अच्छा है कि यार कोई बंदा खा ले। तो ये हर जगह पर ऐसा होता है कि कुछ जगह आइडेंटिफाई, इवन जैसे न्यूयॉर्क में, तो मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, 90s की बात है। डिवोटीज क्या करते थे, न्यूयॉर्क का कौन सी जगह थे, यूएस में नदी है बिल्कुल शहरों के बीच बीचों बीच और फ्लाईओवर है, रात को ये प्रोग्राम संडे प्रोग्राम का लव फीस खत्म होता था शाम को, और सारा कुछ करते कराते जो है सफाई वफाई करते करते रात को 10-11-12 बज जाते थे, तो 11-12 बजे जो है दो डिवोटीज मिलकर गाड़ी में वो सारा जो प्रसाद है, ठीक है ना, जो कि बच गया है और ये वो सारा कुछ जो है ड्रम्स में भरकर आकर वो नदी में डाल, तो एक बार ऐसी नदी में डाल रहे थे, पुलिस आ गई पर तो लाइट सीधा उनके ऊपर पड़ी और वो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े नदी में डालते, और पुलिस तो वहां, तो पुलिस आपको पता है बार अगर एक बार बोल दिया स्टॉप, अगर नहीं रुके तो शूट यू, तो रुक गए। फिर वो जो पुलिस का सार्जेंट था वो कहा क्या कर रहे हो तुम, क्या डाल रहे हो, कचरा डाल रहे हो उसके अंदर, मैंने तो उसने वो डिवोटीज भी दिमाग जितना होता है, नहीं नहीं ये प्रसाद है, क्या कहते हैं मछलियां खाएंगी, उसको इतना गुस्सा आया उस पुलिस वाले को, कहते तुम मतलब तुम्हारी मजाल नदी में जो है कचरा डाल के फाइन लगाया उस पे। तो ये चीजें जो है समझने की जरूरत है कि इस तरह नहीं है, या जो प्रसाद अगर एक्स्ट्रा बच गया है, अगर वो सड़ नहीं गया है, तो आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले कोई ऐसी जगह जहां पर वो बांटा जा सकता है एमरजेंसी के तहत, और बार बार जो है प्रसाद एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए, तो दैट इज योर मैनेजमेंट, काम का खर्चा पड़ेगा, सो बट दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि ये फिर प्रसाद एक ऐसा टॉपिक है ना, इस कॉन के बड़े बड़े मीटिंग्स बंद हो जाते हैं, जैसे ही प्रसाद का टॉपिक आता है मीटिंग खत्म, अब प्रसाद पे बात चलेगी। मैंने मंदिरों में देखा मंदिर की इष्टगोष्ठियां बंद हो जाती है, कितनी सी सीरियस बात क्यों ना हो, जैसे प्रसाद शुरू सबका कंसर्न आ जाता है, ठीक है ओके। सो गुरु बापू वाणी सेवा हम बात कर रहे थे, ये तो उनको प्रसाद खिलाना एक एक एक्सपीरियंस था और उनकी सेवा। तो आइडिया ये है कि कोशिश करें कि जो भी एडवांस आपको कोई डिवोटी मिले, रियली एडवांस डिवोटीज मिले, तब आप जरूर सेवा करें, ठीक है ना, तो जरूर करें।
हर हर भक्त की सेवा करें, उनकी सहायता करें, मगर जिस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है उस तरीके की सेवा जो है एडवांस डिवोटीज के लिए रखें। ठीक है, ओके। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, ये देखिए आ गया ना वो साधु संघ सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि का है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो इस साधु के अंदर वो गुरु भी आ जाते हैं, इसलिए गुरु संघ गुरु संघ नहीं है, साधु संघ, बिकॉज हमारा 99% जो है हमारा साधु संघ ही हो रहा होता है। और क्या है ये लव मात्र साधु संघ, द वर्डिक्ट ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, वर्डिक्ट प्रॉपरली इस्तेमाल किया, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, फाइनल है ना, जैसे अदालत में फैसला सुनाए जाते हैं। तो वर्डिक्ट ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स इज दैट बाय इवन ए मोमेंट्स एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी, एक लम्हे के लिए भी जो है अगर आप एक शुद्ध भक्त का साथ आपको जो है एसोसिएशन मिलता है, यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब सर्विस, तभी देखिए तस्वीर कैसी है, देख रहे हैं, सर्विंग, दैट इज एसोसिएशन, वन कैन अटेन ऑल सक्सेस। सो यहाँ सर्व सिद्धि का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। अब इस पे भी वो जो भी चीज पोएटिक होती है ना तो उसमें लोग बड़े खाम का जज्बाती हो जाते हैं, तो इसके एक लिटरल मीनिंग भी है। सर्व सिद्धि का मतलब है उसको भक्ति करने का मौका मिल जाता, साधु संग करने से उसको भक्ति करने का मौका मिलता है, ये इसका मतलब है। सर्व सिद्धि का मतलब यहाँ पर जनरली ये नहीं है कि एक बार साधु संघ किया और आपको सीधा कृष्ण प्रेम मिल गया, ठीक है, दैट में भी एन एक्सेप्शन, जैसे जिसको हम कृपा सिद्धि कहते हैं वो जनरली भगवान के साथ होता है, कि नारद मुनि मिल गए आपको तो और बात है, अदरवाइज इसका जो मतलब है इसका मतलब ये है। समझाना भी जरूरी होता है, नहीं तो लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं हमारे यहाँ। व्हाट इज ऑल सक्सेस का क्या मतलब, ऑल के सक्सेस का मतलब माँ मुरादे पूरी कर दे, वो भी ऑल सक्सेस का मतलब भक्ति मिलेगी, भक्ति करने का मौका मिलेगा। ओके, ओ यस, ये तो बहुत ही, काश हम यहाँ पर स्केट कर पाते, ये एक ऐसा स्केट होता है सब लोट फोट हो जाते हैं हंसते हंसते, मगर चलिए कोई नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे ना सही तो किसी और तरीके से सही। अगले उस पे चलता हूँ, हाँ तो एक काम करें, बल्कि इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेना सबसे अच्छा है, ये मैं इधर आपका अपने सब लोग हैंडबुक्स खोल लीजिए, और ये पेज नंबर कौन सा है, 50 प्रभु, 50 51 दोनों, ठीक है ना, 50 से लेके 51 पूरा, और ये कौन सा पेज है, एक सेकंड, 53 ना, 50 से लेके 53 चार पेज बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। So, एक काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका एक तरीका है, बल्कि एक काम करता हूँ, इसका एक तरीका है, मैं पूरे क्लास को दो ग्रुप में तोड़ देता हूँ, ठीक है, पहला ग्रुप जो है 50 और 51 पढ़ लेगा, और दूसरा जो है 52 और 53 पढ़ लेगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर जो क्वेश्चन होंगे उसको हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 15 मिनट काफी है पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर आपस में कुछ डिस्कस करना चाहे तो वो भी बेशक आप कर लें, ठीक है। तो मैं आप क्लास को जो है 200 में तोड़ देता हूँ, ताकि आपको अगर डिस्कस भी करना चाहे उससे कोई क्वेश्चन निकल रहा है कुछ है तो बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं,
मैं तोड़ के प्रभु जी मेनली रीडिंग ही करनी है इन दो पेजेस। हाँ, 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 रीडिंग मेन है। अगर आप लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहो आपस में तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर कम से कम रीडिंग तो कर ही लें। और मैं आपको 15 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से आपका काम हो जाना चाहिए। खोल दिया मैंने आपके रूम्स, ठीक है? सब लोग चले जाइए अपने अपने रूम्स में। कौन सा रूम प्रभु जी क्या करेगा? वो आ जाएगा, देखिए जाइए। और रूम नंबर 1 मैं आ रहा हूँ, दोनों रूम्स में आ रहा हूँ। रूम नंबर 1 50-51, रूम नंबर 2 52-53। एक्सेप्ट कर लीजिए और चले जाइए अपने अपने रूम्स में। प्रज्ञा माता जी, जानवी माता जी, आरची माता जी, अपने अपने रूम्स में चले जाइए। साहिल प्रभु प्लीज अपने रूम में चले जाइए। आरची माता जी, आप क्लास खत्म होने से पहले एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे? मैं आपको पहचानता हूँ। इसमें देखा तो ये आप लोग का रूम नंबर 1 है, इसमें 50-51 पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? पढ़ के अगर कोई डिस्कस भी करना चाहो तो कर लो, 15 मिनट है, हो जाना चाहिए। और सवाल निकाल लेना कोई है तो। योगेश प्रभु का मेरे ख्याल से रूम नहीं है। तो भैया आपका रूम है क्या? एक मिनट देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ, योगेश प्रभु का रूम नहीं है। मैं आपको प्रभु जी भेज रहा हूँ दूसरे रूम में, रूम नंबर 1 में भेज रहा हूँ, ठीक है? वहां पे पेज नंबर 50-51 पढ़ना है। चलेगा, रूम नंबर 2 में चलता हूँ। आप लोग का 51-52-53 यही है ना? यस यस, ठीक हो गया। तो पढ़ लेना, आपस में कुछ डिस्कस करना हो कर लेना, सवाल हो निकाल के रख लेना, ठीक है? जी अगर आप तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपने रूम में चले जाएं। जानवी माता जी, साहिल प्रभु, आर्ची माता जी, आर्ची माता जी अगर आप आर्ची माता जी को मैसेज भी भेज सकते हो।
बोलो अपना पॉइंट क्या सुना था। किसी भी डिवोटी के शैडो पे पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, एग्जैक्टली वो यही होता है, रिस्पेक्टफुली होता है, मेंटेन अ यू नो रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। आगे से वापस। यस प्रभु जी। यस गुड। तो क्वेश्चंस है कोई? प्रभु जी एक शिमोली माता जी का था कि शैडो के ऊपर स्टेप करने के लिए मना करते हैं कि गुरु को शैडो पर स्टेप नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है इसके लिए? या दिस इज अ रेस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली द शैडो इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो इसलिए ट्रेडिशनली ये किसी के साये पे भी पैर रखना सिम कहते हैं, ठीक है ना? या जैसे कि बिल्कुल इसको उल्टा कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कई बार कहते हैं ना कि किसी का साया पड़ गया इसके ऊपर, उसके बाद हो गया उसका काम, जैसे अच्छा साया बड़ा साया दोनों, तो इसीलिए अच्छे साये पे पैर ना पड़े और बुरा साया हमारे ऊपर ना पड़े। तो दैट इज द आइडिया। इसलिए इट इज नॉट जस्ट फॉर गुरु, बट इट इज ऑल्सो फॉर तुलसी, इट्स ऑल्सो फॉर द डीटीज। Good question. One more where it said he should not give Diksha in front of Guru. Diksha ya Bhiksha? Diksha. Initiation. Am I missing something? इमिटेट है, होम है, पनिश स्टेप है, लेप्स है, वर्शिप है, हाँ इसमें गिफ्ट दीक्षा स्क्रिप्चुअल एक्सप्लेनेशन सारा कुछ, तीनों चीज कि अपने गुरु के सामने जो है दीक्षा देना या आपके गुरु सी एटिकेट इज कि से फॉर एग्जांपल अ मोर एडवांस्ड डिवोटी इज देयर क्लोज बाय, से फॉर एग्जांपल, so the less advanced devotee the etiquette is that he directs the inquirer to the more advanced devotee. This Vaishnava etiquette, ye iska aapko ek detailed explanation Bhagavatam ke third canto mein milega, between the conversation jahan par Vidur aur Maitreya Rishi wahan par maujood hai, to usse pehle wahan Uddhav hai, so these three personalities are there. And you find that this is called maryada vyatikram, means one should not, yeah, so kaise jo hai maryada ke andar aa jata, maryada means ye dignity jo hai ki jo usme se sabse zyada knowledgeable hai usko invite kiya jata, so usi ka extension hai ki diksha, ki if somebody is requesting diksha, so then the junior person, he may direct that I am not that qualified, the other person is not qualified, so is tarike se, so this is a disciple ke liye jo hai ye to idea jo hai ki aap dekhiye iske life last jo word sentence ka jo aakhri hissa hai usme wo clear hai, show superiority in front of the guru, aisi koi bhi harkat jisse jo hai guru ke samne jo hai superiority छाड़ने वाली जो बात है, तो वो बदलता है। But usually, like during initiation ceremonies, there are a group of senior devotees also who are present. Yeah, then you are, they have taken their permission. Okay, okay. So that's it. ऐसा भी होता है कई बार, जैसे we have seen कि say for example you are taking initiation from someone and his god brother is sitting close by, so we also go and take the blessings of the god brother before we go and take the initiation. Okay. It's like, that's the etiquette. It's like culture. Smriti Karuna Maji, बस दो ही लोगों के सवाल हैं, बाकी सब ठीक है, तो अच्छा है, वैसे मेरे लिए तो जिंदगी आसान है, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। ओके ठीक है, इस पहले स्मृति करुणा माँ जी आ रहा हूँ। जी पेज 51 में जो लास्ट पॉइंट है वैष्णव एटिकेट वाला, वहां पे इसी में लास्ट लाइन दे रखी है, इफ वन ट्रांसग्रेसेस द लॉ ऑफ एटिकेट, लॉज ऑफ एटिकेट,
People yeah. make fun of him and thus he is vanquished in both in this world and the next. Yeah, ये चैतन्य महाप्रभु का statement है. चैतन्य महाप्रभु का statement है ये. चैतन्य महाप्रभु का statement है. हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु का statement है. तो ये मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ पर मुझे हाँ I know the statement. So yeah, अगर आप वैष्णव etiquette का follow करो, but वैष्णव etiquette का पालन ना करने से क्या होता है, जब एटिकेट्स का पालन नहीं करते तो लोग भी पीछे हंसते हैं, पता नहीं है इसको, ठीक है ना, जाहिल है. और एटिकेट का ना पालन करने से भगवान जो है आपसे नाराज होते हैं कि मेरे ये मेरे डिवोटी को किस नजर से देखता है. दैट इज द आइडिया भाई. अगर मैं इसको यहाँ घुसा लूँ अपने घर में तो यहाँ तो यह शांति फैला देगा, यहाँ वहां तो हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते. So that is the idea कि आपका इस दुनिया में भी गया और आगे कभी गया. That is the idea. एक तरीका है इसको ध्यान करने के. ठीक है. Thank you. Okay, कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी इसमें ये था. It is the correct. जी प्रभु जी आपकी आवाज बंद हो गई. जी प्रभुजी इसमें था, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी टू ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट द वैष्णव एटिकेट. सो जी इसमें था, इसमें एक लाइन थी, इफ वन ट्रांस द लॉ ऑफ एटिकेट्स पीपल मेक फन ऑफ हिम एंड दिस ही इज वैंक्विश्ड इन बोथ दिस वर्ल्ड. एग्जैक्टली वही सवाल पूछा है जो अभी स्मृति रौनामा जी ने पूछा था, तो मैं उसी का जवाब मैं दोहरा देता हूँ कि जैसे वैष्णव एटिकेट जो है ये गहना है भक्तों का, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए भी और जो परफेक्ट हो गया उनके लिए भी, सबके लिए. सो अगर वैष्णव एटिकेट जो है, वैष्णवों के जो मान मर्यादा का जो है आप ध्यान नहीं रखते तो लोग आप कहेंगे, जैसे ये अच्छी सोसाइटी है यहाँ पर अगर आपको नहीं आता तो लोग आपसे दूर रहेंगे, तो यार क्या है बदतमीज आदमी, ठीक है ना, तो ये हंसेंगे, कुछ जिसको हंसना हो हंसेगा और उससे आपका जाती स्पिरिचुअल लाइफ में भी नुकसान होगा. भगवान जो है फिर उससे प्रसन्न नहीं होता, भगवान देखते हैं कि ये मेरे भक्तों के साथ कैसे पेश आता, वो मेरे भक्तों के साथ आज ऐसे पेश आ रहे हैं, कल मेरे साथ भी ऐसी पेश आए. तो इसलिए ठीक है. आर्ची माता जी अगर आप यहाँ पर अभी हैं तो ना आपको एक मैसेज भेजा, प्लीज देख लीजिएगा. तो नहीं आर्ची माता जी है कि कहीं नहीं है. ओके गीता भक्ति माता जी नेक्स्ट. जी प्रभु जी. प्रभु जी इसमें जो है ये गुरु से जिज्ञासा के नीचे ना सेकंड पैराग्राफ, अलौकिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न ही किए जाने चाहिए. हाँ, हाँ, ये प्रभु जी पूरा मतलब इसमें जैसे उत्तम का अर्थ बताया, तम मतलब और ये बेसिक मतलब जो है इसका, ये मुझे जो याद आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि आपने आध्यात्मिक गुरु बनाया इसलिए है, स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु आपने इसलिए बनाया कि आप क्या कहते हैं कृष्ण भावना में प्रगति करें. तो कृष्ण अगर मान लीजिए, जैसे कई बार लोग पूछते हैं आके, मैं तो कई बार अपने मेरा अपना तजुर्बा रहा है, देखा है ऐसे कि आके जो है पूछेंगे क्या कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें नहीं करें, और इस तरीके से क्या कहते हैं मैं नई गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ और फलाना ये वो चीजें, ठीक है. आई मीन यू नो लाइक दीज आर नॉट द बेस्ट क्वेश्चंस, यू नो. ये आई मीन यू नो लाइक ये गुरु से आप आके राय ले रहे हैं कि इसका है, कोई कह सकता है ठीक है गुरु से मैं हर चीज पूछता हूँ तो मैं गुरु से राय ले रहा हूँ, क्या खराबी है इसके अंदर, खराबी नहीं है, क्वालिटी की बात. गुरु से जो है गुरु आध्यात्मिक गुरु जो है वो मेरे आध्यात्मिक जो मेरा रास्ता है जो मेरी मंजिल है उसके रास्ते का हमवार करने के लिए, उसको रास्ता साफ करने के लिए. तो उस तरीके के सवाल अब होता ये है कि आपके पास आध्यात्मिक सवाल तब होंगे जब आप कुछ पढ़ते लिखते हो, कुछ प्रैक्टिस करते हो. जो जिसने भैया सदियों हो गए किसी किताब को हाथ लगाए हुए हैं वो ना कोई ना ना कोई उसकी प्रैक्टिस, कोई ना सर है ना कोई पाँव है तो कुछ है, ऐसे लोग फिर या तो बचते हैं फिर क्या कहते हैं अपने गुरु से दूर रहते हैं कि भैया पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा और मेरे पास तो कुछ पूछने के लिए है नहीं. तो ये है. और नहीं तो कुछ लोग फिर ये होते हैं कि प्रभु जी घर में ये समस्या है क्या करूं, घर ये है सारा. तो यू नो लाइक दीज आर नॉट द
क्या आपने गुरु इसलिए बनाया था? प्रभु जी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये उनके स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट कर रही है फिर तो वो पूछना पड़ेगा ना प्रभु जी। बात ये है ना कि आपका हर चीज आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे अफेक्ट करती है, इसका मतलब यू आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन डीलिंग विद थिंग्स। ओके, दोनों चीजें है ना कि कहां तक जो आपको आपको हर चीज अफेक्ट करती है, अगर एक आध चीज अफेक्ट कर रही है तो चलो बात समझ आती है, पर कुछ लोग होते हैं ऐसे तो हर चीज पे जो है ये हमारा जी ये बताओ तो मुझे ये बताओ दुनिया भर का, इसका मतलब क्या है? इज वेरी पुअर एट मैनेजिंग हिमसेल्फ। सो ये तो यानी कि आइडिया ये है कि सवाल उस तरह के सवाल ना जो वाकई में मतलब बंदा बंदे के बस का नहीं है सुलझाना, बंदा अपना थोड़ी खोपड़ी इस्तेमाल करे अगर वो उसको सुलझा सकता है तो क्यों ना सुलझाए उस चीज को, तो वो ये चीज बात हो। तो इसलिए शेयर और प्रेयर कहा जाता है, प्रेयर का मतलब जो मुझे बहुत पसंद है और शेयर का मतलब है जो मेरे आध्यात्मिक जिंदगी के लिए जो जरूरी है, वो तो सवाल उस तरफ होने की जरूरत है। जैसे मान लो यार आप पूछ रहे किससे कि कोई भी अपने गुरु से पूछ रहा कि यार क्या नाम है ये लैपटॉप जो है ये कहाँ से मतलब ये कैसे चल, तो यार तुम किसी उससे एक्सपर्ट से पूछ रहे हो जिसको लैपटॉप चलाना होता। एक छोटी सी चीज मैं ऐसे एक एग्जांपल दे दिया कुछ ना लाइक खाना बनाने का आप पूछ रहे हो तो यार उससे कुक से पूछेगा, तो ये चीज है। हाँ ये हो सकता है कि गुरु एक अच्छा कुक भी हो वो और बात है, पर अदरवाइज यू नो ये जैसे हम प्रभुपाद के केस में देखते हैं कि प्रभुपाद क्योंकि ही वाज अ गुड फिजिशियन और केमिस्ट थे, तो कई बार अपने जो डिसाइपल्स होते थे अगर वो लिखते थे कि मुझे ये बीमारी है वो प्रभुपाद जो चिट्ठी में जो दवाई लिख के दे देते थे कि ये फलाना मेडिसिन का कॉम्बिनेशन खा लो ठीक हो जाओगे, और ये चीज दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यू नो लाइक ये मेन काम नहीं है कि प्रभुपाद को मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। प्रभु जी इसमें जैसे एंड की लाइन है कि आमतौर पर जनता भौतिक विषय वस्तु के प्रति अत्यंत जिज्ञासु रहती है, परंतु व्यक्ति भौतिक विषय वस्तु में अपनी रुचि खो चुका है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता है वह दीक्षित होने के लिए उत्तम है। खो चुका है मतलब बिल्कुल खो चुका है, सच बात है, मतलब वो लॉस्ट इज इंटरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक इंटरेस्ट खो चुका है, इसका मतलब वो सबको नहीं जरूरत जो आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जैसे ये वो किसको गुरु बनाना चाहिए जो जो है भौतिक विषय वस्तुओं से जो है इंटरेस्ट जो है खो चुका है वो ठीक है, नहीं नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो गुरु को बार बार यही परेशान करता रहेगा। ओके हेमंत प्रभु गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि महाप्रभु जी ने कहा है कि त्रणादपि सुनिश्चन है तरोरपि सहिष्णुना अमानी अमानजे युतनीय सदारी, उसमें ये बताया गया है, लेकिन प्रभुपाद जी एग्जैक्टली सच बोल रहे हैं उसमें कोई डाउट भी नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने खटमल बताया अपने गुरु भाइयों को, तो मैं मेरा जो कहने का ये है कि प्रभुपाद जी ने मतलब वो तो नाम तो लेते ही थे, हालांकि वो हरि नाम जप तो जपते थे, लेकिन ये क्या वैष्णव अपराध नहीं है? नॉर्मली क्या होता है कि हम जब वैष्णव जैसे भक्त होते हैं उनमें भी हम कई बार मन करता है कि ये गलत कर रहा है उसको कुछ बोल दें, लेकिन इस डर के चक्कर में उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं और हमें भूख आता है, तो प्रभु जी ये क्या चीज है, ये मैं समझ से बाहर है बहुत देर। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इतने नहीं बड़ा अच्छा सवाल था और आपने हिम्मत करके सवाल किया, ये असल चीज है। लोग ना जैसे ही प्रभुपाद गुरु ये सब आते हैं तो लोग झेप जाते सवाल नहीं पूछते, चाहे वैसे कितने परेशान होते रहेंगे अंदर बैठे बैठे कूदते रहेंगे। यस, तो जब प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को खटमल बोला है तो इसका एक पस मंजर इसका एक बैकग्राउंड है, तो वो बैकग्राउंड भी साथ में आप जब पढ़ेंगे ना वो जो परपट है जहाँ पे प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को खटमल बोला नहीं लिखा है, बोला तो बंदा हो सकता है ना कि अपने बात से बंदा मुकर जाए, लिखा हुआ इंक इंक में छापा हुआ है बिल्कुल क्या सुन भैया। सो जाहिर बात है कि ये सुन के जो है डायरेक्टली वैष्णव अपराध लगेगा, मगर यहाँ पर बोला क्यों है फिर,
बोला इसलिए कि दूसरे लोग बच गेटिंग तो यहाँ पर जब हम किसी का जैसे जब हम किसी को एजुकेट कर रहे होते हैं तो वी मेट टेक एन एग्जाम्पल तो वो एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं इसका मतलब हम उस बंदे को टारगेट नहीं कर रहे हम एक जैसे हमने इस जैसे यही हमारा जो ये भी आईडीसी चल रहा है आपको याद होगा इसमें पहले दिन हमने 11 शर्तें रखी थी उसमें एक था वी विल डिस्कस इश्यूज नॉट पीपल हम मुद्दे की चर्चा करेंगे ना कि किसी बंदे की जो है नुक्ताचीनी करेंगे तो वहां पर जहां पर प्रभुपाद इस तरीके की बात करें वहां एक केस स्टडी तो देखो ऐसे गुरु हैं और ऐसे विशिष्ट मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि मेरे गुरु भाइयों में से ऐसे गुरु भाई भी निकले जी वो महाराज के साथ रहते थे और सिर्फ काटने के अलावा खटमल की तरह जो है उनका उनका मिशन जो तबाह किया सो ये और ये इसलिए क्योंकि जो कल हुआ है जरूरी नहीं आज नहीं हो आज भी हो सकता है और इनफैक्ट इस्कॉन को बहुत बुरे दिन देखने पड़े ये जो आप आज जिस इस्कॉन में आप आए हैं ना ये तो वो इस्कॉन है जो बच गया है अच्छा अच्छा हाँ और इस्कॉन में सब कुछ हो चुका है अगर आप इस्कॉन की पुरानी हिस्ट्री देखेंगे क्या कुछ रहे जो नहीं हुआ इस्कॉन के अंदर तो मतलब ना ये एक और कहानी है आप जो दुनिया में देखते हैं वो तो सब इस्कॉन में हुआ हुआ है मर्डर होना रेप होना चाइल्ड अब्यूज होना आप यू नेम इट वो सारे कारनामे जो है इस्कॉन के अंदर हुए हुए उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि जब हमने ये श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए इन तात्पर्यों को ज्यादा संजीदगी तरीके से नहीं लिया जी जी हमने सोचा यार ये तो गौड़िया मठ में होगा हमारे साथ ही होगा लो अगला अगला नंबर तुम्हारा प्रभु जी एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा सभी को कि मैं एक बार वृंदावन गया था इस्कॉन में कोई अंग्रेज मतलब फॉरेनर था भक्त था वो और कोई अपने इंडियंस अपना मतलब अपने भारत का था भक्त था इस्कॉन का ही था दोनों दोनों इस्कॉन के थे अंग्रेज जो था उसने क्या लात मारी मेरे सामने मैंने देखा अपनी आंखों से तो मेरे को बहुत टाइम पहले गया था बहुत टाइम पहले तो मैंने उस टाइम पे इस्कॉन से इतना अटैचमेंट नहीं था मेरा लेकिन मैंने देखा तो मेरे को हर्ट हुआ बहुत ज्यादा मतलब यार ये भक्त है ये भी भक्त है इसको लात और मेरे सामने ऐसे लात मारी ना बहुत ही मतलब गंदा लगा मुझे वो चीज अब याद आती है आप बोल रहे थे उससे रिलेटेड इसमें यही है कि इसमें यही है कि जब इस तरह की चीजें देखें तो इससे ये सीख ले लें कि ये ऐसा भी होता है और कभी मैं इसके अंदर ना हूं मगर ऐसा होता है तो ये जो है ना ये जो त्रिनाद अपनी सुनी छे ना इसका गलत जो इस्तेमाल है वो ये कि जब गलत देखो तो अपनी आंख बंद कर लो अरे भैया गलत देखो तो देखो ऐसा होता है और सीखो उससे कुछ तो ये चीजें हैं इसका त्रिनाद अपनी सुनी छे ये ही त्रिनाद अपनी भाई जो हकीकत के साथ नहीं चल रहा वो क्या त्रिनाद अपनी सुनी छे ना उसने होना उसने सही मैम तो हकीकत पसंदी फैक्ट को जो है एक्सेप्ट करना और फिर उसके हिसाब से आगे चलना तो इस्कॉन नहीं तो प्रभुपाद जो किताब में लिखते तो इस्कॉन के किसी भी डिवोटी के साथ बैठ जाओ जाके ना इस्कॉन में किताब इस्तेमाल होने वाली किताबों में प्रभुपाद ने लिखा कि बहुत सोच समझ के जो है डिवोटी ढूंढना ठीक है ये जो है बहुत कई बार होता है शादियां होती है डिवोटीज के बाद उसके बाद जो है लड़ाई होती है तो मियाँ बीवी को बीवी मियाँ को बोल रहे होते बाहर आके बड़ा डिवोटी बनता है मुझसे पूछो मैं बताता हूँ क्या डिवोटी है ये और वो मतलब मैं बताती हूँ कौन सा डिवोटी है मैं बताती हूँ ये क्यों क्योंकि इसी तरीके का जो है ना हवाई लेवल पर जो है सतही लेवल पर तो इसीलिए बड़ा सोच समझ कर डिवोटी एसोसिएशन कि कौन सा डिवोटी आप देखिए ना ये जो लफ्ज है बल्कि मैं एक काम करता हूँ आपको ये समझाने के लिए इस चीज को नॉट एग्जैक्टली ऐसा है बट फिर भी समझाने के लिए सबके लिए ये चीज देखिए ये जो श्लोक है ठीक है ना आप देख रहे हैं क्या लिखा है साधु संग है ना अगर आप उसमें देखेंगे ना या संस्कृत में है ना जनरली ऐसे होता है ना कि लता लते लता है ना जनरली ऐसे होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन जी जी तो साधु अगर आप वैसे बात करें तो एक तरफ से एक वचन है तो और अगर आप देखो तो यहाँ पर भी प्रपद अक्सर जो है डिवोटी एसोसिएशन लिखते हैं
डिवोटीज एसोसिएशन नहीं लिखते, ज्यादातर डिवोटी, कभी कभी डिवोटीज है बहुत ज्यादा। तो इसका इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि एक डिवोटी भी ढंग का मिलना मुश्किल होता है जी। ये हालांकि साधु बाय इट्स यूसेज इस बहुवचन, अगर कोई संस्कृत में जो है पीछे पड़ेगा तो साधु लफ्ज जब आप इस्तेमाल करते हैं या संघ, खासतौर पर उससे भी ज्यादा संघ लफ्ज जो है, संघ का मतलब भी बहुवचन हो गया। बट एक्चुअली जो है तो प्रॉपर इसमें डिवोटी एसोसिएशन, सो दैट डिवोटी वो जो साधु है ना, वहां पे साधु हम नहीं है, संघ चाहे एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं उसका, मगर जो साधु है वो बड़े मुश्किल से कोई एक आदि मिलते हैं, और बड़ा सोच समझ के चले, यानी कि संगत किसकी करनी है। तो वो चीज वही, जैसे आपने बताया कि भाई उसको लात मार रहा है या कोई थप्पड़ मारता हुआ मिल रहा है, ये चीजें हैं, तो जाहिर बात है इसके साथ आपने नहीं रहना। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो अब आपके पास आए तो आप उसको धुतकार दो, पता चले आपको भी अगली लात मारे, ठीक है ना। और ना ही आपके पास, ना ही इससे आपको हक मिल गया कि वो उसको लात मार रहा था, आप उसे लात मार रहे थे, कोई आपको लात मार रहे थे, तो ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए तो उसके साथ जो है वो जानवरों की तरह पेश आ रहा हो, कि इसका ये नहीं हो कि आप भी जानवरों की तरह पेश, तो ये चीज है। मगर एट द सेम टाइम ये भी पता रखना कि भाई किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, तो इसीलिए लिखना पड़ता है। प्रॉपर ने जो तात्पर्य में जैसे कई चीजों का क्या गुरु भाइयों को लिखना, सारी दुनिया को प्रॉपर ने कहां पर कहां रास्कल बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वहां पर बट सिखाने की जरूरत है ना किसी को, मैं उसको सिखाऊंगा नहीं तो वो उसी गड्ढे में जाके गिरेगा। जी 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 जी, ये इसलिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बंदा कहां से दे। आप शास्त्र में भी ऐसा नहीं कि प्रॉपर इसमें अकेले हैं, शास्त्र में देखेंगे तो भाई जहां पर ब्रह्मा जी ने गलती करी है बोला गया कि भाई अपने क्या कहते हैं लड़की के पीछे भाग रहे थे, ठीक है ना, जहां पर ना जिसने जिसने जो अगर करा है तो है, विश्वामित्र ने करी है गलती जो फिसल गए वो लिखा है, अगर सौबरी मुनि ने क्या कहते हैं कि पांव फिसले तो लिखा है, बताएंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा गलत क्या होता है। इंद्र की तो हर कैंटों में गलतियां लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन एग्जाम्पल भाई, क्योंकि दूसरी बात क्यों भूल जाते हैं कि उसी इंद्र को बचाने के लिए भगवान आते हैं, जो भागवतम का जो सेंट्रल वर्स है जिसके इर्द गिर्द पूरी भागवतम घूमती है वो क्या है, वो यही है इंद्रारी व्याकुलम रूपम हृदयंती योग है ना। सो इंद्र को बचाने के लिए भगवान आते हैं, एताम शुभम सुफला कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं कृष्ण जो है और इंद्र को बचाने के लिए, इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए हमेशा भगवान आते। सो इट्स लाइक दैट। उसी तरीके से ये जो गॉड ब्रदर है जिनके लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भैया ये इस तरीके से खटमल की तरह खून चूस रहे हैं, अब ये प्रभुपाद इनकी हरकतें जो दिखा के हमें बात कर रहे हैं, अब इनका रिश्ता प्रभुपाद के साथ और इनका रिश्ता अपने गुरु के साथ एक और तरीके का है। वहां मेरा एक्सेस नहीं है, मगर मुझे जो एग्जांपल देने की जरूरत है तो वो ये देने की इसलिए जरूरत है कि कोई ये ना समझ बैठे कि ये त्रेता और द्वापर में ही होता था, आज नहीं होता, यह भी भैया 50 साल पहले की बात, ऐसा मेरे मेरे ही साथ हुआ, मैंने देखा ये वाली चीज, और ये ऐसे एग्जाम्पल देने की जरूरत है इसको क्या करें। अब जैसे उस दिन हुआ तो पहले दिन वो अंजलि मठ बुरा मना गए, तो भाई वो मैं नहीं कह रहा, अब सारे क्या करोगे, विकिपीडिया को मिटा दोगे, क्या करोगे, तो वही वाली चीज ऐसा, ठीक है। तो हम यहीं पे सवाल जवाब अभी शिवमोली माँ जी, ओके माँ जी टाइम हो गया है ओवर, बट ठीक है ले लेते हैं आपका सवाल, एंड वी विल फिनिश हियर। 9:30 ही है कितना टॉलरेट करना है वर्सेस टॉलरेट करना का एक सिंपल सिस्टम है कि टीचिंग किसे करनी है पहले ये क्लैरिफाई, ठीक है ना। देयर आर फोर थिंग्स
A preacher should know four things. First, the preacher should have feeling of love for Krishna. Okay. This is 11th canto, 2nd chapter, verse number 46. I'm speaking from yesterday. Ishvara tadadineshu, pahalisheshu, dishastucha, prema, maitri, kripa, upeksha, yav karoti, sa madhyama. The preacher, the madhyama adhikari, he should know four things. First, he must try to develop love for Krishna. Love is only for Krishna. Prem jo hai Bhagwan ke liye. Maitri, friendship, is with devotees. Theek hai? Preaching, which is an act of mercy, is for innocent. Kripa. Theek hai na? Prema, maitri, kripa. Theek hai? And upeksha, preaching lust. Preaching is for innocent people. Okay. Yeah, he does not know. I'm telling him. And the fourth is upeksha. Ignore. Don't go. The envious. So you find somebody is very envious of Krishna? Don't go. Okay. Okay, fine. That's okay. Thank you. Yes. You can cut your connection. Say, for example, you are going for a book distribution. And you're trying to give a book to somebody. And he's very envious. Bahut ulta seedha bol raha hai Bhagwan ke baare mein. Theek hai na? To ekdam se poocho, do you have a 2000 rupee note? The answer will be no. Okay, thank you. It's easy to cut your connection. So ask a question which draws a no answer. एक ले लीजिए, एक माता जी ना बहुत परेशान है, उनका क्वेश्चन एक सुन लीजिए। मैंने कहा मैं प्रभु जी से पूछ के बताता हूँ। प्रभु जी, माता जी को, माता जी अभी इस्कॉन से जुड़े, उनको 1.5 साल हुआ है और माता जी अभी अच्छी है, डिवोटी सेवा बहुत अच्छे से करती है। वो ये बोल रही थी कि आजकल जब वो वैष्णव सॉन्ग सुनती है ना, स्पेशली जय नीलो प्रेमधन, तो कहती मुझे ना बहुत रोना आ जाता है। और फिर वो कह रही थी कि उन्होंने आईडीसी में सुना था कि हमें अपने इमोशंस ऐसे एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए पब्लिकली। वो कह रही है उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसे कंट्रोल करूं ये, क्योंकि हमारे चार्ज ने कभी ऐसी चीजें नहीं करी हैं, ये तो हमें पता ही है कि नहीं पब्लिकली ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कैसे उस टाइम पे नहीं है हमारे हाथ में, तो उस टाइम पे वो कैसे, क्या किया जाए कि हम कंट्रोल कर सके, या क्या किया जाए? इलाज दू? हाँ जी, शॉप इलाज 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 दू? अच्छा हाँ जी, माता जी को बोलिए जो जयानी प्रेमाधन सुनते हैं ना, सुबह शाम दिन रात सुने, एक हफ्ते में रोना बंद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, यही है ना फिर क्या इलाज है। ओके कृष्णा, कृष्णा पाल जी, आप फिर आपके आपके साथ तो मैं सौतेला सलूक करूँ, आपका भी सवाल ले लेते। प्रभु जी, मैं ये क्वेश्चन ना काफी टाइम से परेशान कर रहा है मेरे को। मैं पिछले साल जुहू मंदिर में गया था, चौपाटी मंदिर में गया था, तो वहां पे मैंने ना गुरु परंपरा की फोटोज देखी थी, तो मुझे मुझे उनमें ना एक गुरु परंपरा में थे एक वैष्णव कम लगे, वो थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी। तो इनके बीच नहीं थे, नहीं थे प्रभु जी, ये मैंने देखा था। आई डोंट नो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जगन्नाथ दास बाबा जी से लेके प्रभुपाद जो है 5, ये जो है ये अनचेंजेबल है। ये ऐसा नहीं है कि अब आपके दीक्षा गुरु आ गए तो उधर से कम हो गया, फिर उसका आ जाएगा तो एक और कम हो जाएगा, फिर 5 जनरेशन में सारे फारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दैट हैज टू, दैट इज देयर टिल द टाइम जब तक इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी की तस्वीर नहीं है तो somebody must inform them कि ऐसा नहीं है। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है कि आपने तस्वीर खींची थी कि जहाँ पे ऑल्टर में जगन्नाथ दास जी? प्रभु जी, मैंने कंफर्म करने के लिए आज के भी दर्शन देखे तब भी नहीं आया। ओके, सो देन आई विल, मैं डीटी, चलो मैं डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री में मेरी सेवा है, आई विल ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन। मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगी ना बात, तो आप मेरी आपकी बात तो वैसे भी नहीं सुनेंगे। इस कान में जो ना एक ही चीज है, अगर आपको अपनी बात सुनवानी है ना तो ऊपर ले जाओ बात, वहां जब आएगा ना तो तब सब सुनेंगे, नीचे से बोलोगे ना तो आपको बोलेंगे चल निकलो यहाँ से।
जी वही कंफर्म करने के लिए मैंने आज आज के दर्शन तो भी देखे। ठीक है ठीक, मैं भी चेक कर लूंगा क्योंकि दर्शन तो लाइव दर्शन होते हैं, मैं चेक करके फिर मैं वो उसके स्क्रीनशॉट जो मैं भेज दूंगा। जी ठीक है, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कानू प्रिया माजी मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं है मेरा, एक लाइन ना मुझे समझ नहीं आई, बस वो पूछना है। गो अहेड, क्वेश्चन नहीं है, लाइन समझ नहीं आई। क्या मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन नहीं है, एक लाइन समझ नहीं आई, उसका मतलब वो पूछ रहा हूँ। यस Please. ये ना जो वो था व्यास पूजा वाला पेज था प्रभु जी, उसमें नोट में लिखा हुआ है एक चीज, सामान्यता अपने गुरु के गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को गुरु की व्यास पूजा के अवसर पर प्रशंसा करने, भाग लेने अथवा ऑफर के लिए अनुरोध करना वैष्णव सदाचार के विरुद्ध माना जाता है। समझ नहीं आया। हाँ यार बड़ा खराब लगता है, आपके गुरु, आपके गुरु है भैया, आपके गुरु है, मेरे तो गुरु भाई है, मेरे को आप क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं महाराज जी, प्रभु जी या जो भी माता जी, हमारे गुरु महाराज जी का गुणगान कीजिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, वो करे अपने आप और बात है, पर जाके किसी को रिक्वेस्ट करना, बोलना आइए जी आइए आप हमारे गुरु महाराज जी का गुणगान कीजिए, बड़ा ही चीप लगता है। करते हैं ऐसी हरकतें, लिखा इसीलिए तो लिखा हुआ है, ऐसी हरकतें होती है व्यास व्यास पूजा में, तमीजी नहीं होती डिसाइपल्स को, सीधा पता चलता है सीनियर हो गया होगा वो डिसाइपल अपने गुरु का, बस ढेले भर की जो है उसने तमीज नहीं सीखी, जाके जो गुरु के गुरु भाई गुरु बहनों को जाके बोलेगा आइए हमारे गुरु जी का गुणगान कीजिए, ये क्या बात है। वो आना चाहे करना चाहे और बात है, तो बिल्कुल सबको पीछे करके सबसे पहले उनका उनका वो है ओके, अपने गुरु भाई गुरु बहन को ग्लोरीफाई करने की, अगर डिसाइपल का नहीं बनता जाके कि वो अपने गुरु के गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर को बोले कि आइए आइए हमको ग्लोरीफाई कीजिए, लाइक इट्स अ बैड टेस्ट बेसिकली, यू नो लाइक बैड टेस्ट। ठीक है, अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ये हमारा सेक्शन अभी भी थोड़ा सा बाकी है, मैंने सोचा था हो जाएगा खत्म, बट मैंने क्वेश्चन आंसर इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे दिख गया था कि 10 मिनट में खत्म नहीं होगा, सो फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और या अभी तो अभी एग्जाम की बात नहीं करते, पहले कोर्स खत्म कर लेते फिर बात करेंगे। ठीक है ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु की जय।